हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नाउ सरित क्लासेस। इट्स अ लेक्चर नंबर 9 ऑफ द ओशनोग्राफी और ये आपका आखिरी लेक्चर है ओशनोग्राफी का। हो जाइए खुश, करिए एंजॉय। 2 दिन के अंदर हमने ओशनोग्राफी को क्या किया, खत्म कर दिया। नहीं सर, 3 दिन 4 दिन लग गए। हाँ ये बात सही है भाई, 3 से 4 दिन लग गए। तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 9, और आज के लेक्चर नंबर 9 के अंदर पता क्या करने वाले हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक आपको चीजें दिखती होंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ का नाम सुना है ना आपने, समुद्र के अंदर होती हैं कुछ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, कोरल रीफ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक मैंने कोई डायग्राम्स पीपीटी वगैरह जैसे पहले दिखाता था, अभी वो दिखाई नहीं है। देखिए बेटा, आप एक बार ये ओशनोग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, जरूरत पड़े तो ना अलग से मैं आपको सारे पीपीटीज, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारे आपको मैं उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। अलग से लेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसमें अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कोरल, ठीक है, और कोरल रीफ की, दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, अभी देखते हैं हम। अब देखिए, जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं हमें यह पता होना चाहिए इसके अंदर क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं हम क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है, फिर उसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आएंगे कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस से भी पहले हम देखेंगे कि कोरल रीफ बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। फिर टोटल 7 कंडीशंस हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। 7 कंडीशन, जैसे कि उसको गहराई कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, उसको सैलिनिटी कितनी चाहिए, वाटर कैसा चाहिए, क्या वाटर क्लीन होना चाहिए, मडी होना चाहिए, किस तरीके का वाटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी टाइप कितनी है, ठीक है, किसकी, कोरल रीफ के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। कोरल रीफ आपका कैसा होता है, फ्रिंज रीफ है, बैरियर रीफ है, अटॉल रीफ है, किस तरीके का रीफ है, यानी कि हम उसकी शेप और उसकी लोकेशन के आधार पर क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। यहां तक आप जो हमारा एजेंडा क्लियर हो गया। एक और पॉइंट यहां पे रहेगा हमारा थ्योरीज का, ठीक है। 3 तरीके की थ्योरी है, सब्सिडेंस थ्योरी, स्टैंडस्टिल थ्योरी, और इसके अंदर जैसे आपका म्यूरे के द्वारा दी गई थ्योरी है, डाना के द्वारा दी गई थ्योरी है, सॉरी डाना का नहीं, डेले के द्वारा दी गई थ्योरी है। डाना तो उसके अंदर थे, जियोसिंक्लाइन के अंदर, याद है ना नाम, पता है, सिर के ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, 3-4 बार रिवाइज करोगे सिर के अंदर भी घुसेगा। तो थ्योरीज इसके अंदर करने वाले हैं, टोटल 3 थ्योरी हैं, ठीक है, 3 थ्योरीज इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सवाल आपके प्रीलिम्स में भी बनते बनेंगे, और वो कौन सा है, कोरल, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है तो भाई हॉट को लाल रखते हैं ना हम, गर्मा गर्म, ठीक है। ये आपका पूरा करंट अफेयर के बेस के ऊपर रहेगा। अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई बड़ी इतनी खबर आई नहीं है, लेकिन हाँ, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले कुछ इसके अंदर ज़्यादा खबरें थी कि किस तरीके से जो कोरल रीफ है उसको काट के यूज़ किया जा रहा है, किसके अंदर, जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर, ठीक है। अब जो कोरल रीफ है इसको हम किस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का और पॉल्यूशन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ये हमें देखना है। एजेंडा क्लियर है, नहीं ये इतना ही करेंगे हम, ठीक है, यहाँ तक बताइए, ये हमारा है आज का टॉपिक, आज का एजेंडा। एक और बता देता हूँ, कोरल रीफ खत्म होते ही बस एक टॉपिक बचता है, वो है अनक्लॉज, ठीक है, अनक्लॉज है, वो भी हम इसी के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बार बस आपको समझा दूंगा कि टेरिटोरियल जोन कौन सा होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन सा होता है, ठीक है, ये सारा एक डायग्राम के फ्लो डायग्राम के तहत आपको बता दूंगा कि 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, फिर 200 नॉटिकल माइल कहाँ तक जाता है, अगर दो स्टेट मतलब दो कंट्री आपस में आ जाती है तो किस तरीके से उसके अंदर डिवीज़न होगा, ठीक है। टेरिटरी वाटर क्या होता है, बियॉन्ड टेरिटोरियल लिमिट क्या होती है, अगर कहाँ पे कोई अगर क्या मिलता है, टापू मिलता है तो किसी कंट्री को क्या फ़ायदा होता है, वो सारा हम किसके अंदर पढ़ लेंगे, अनक्लॉज के अंदर। अभी हमारा मेन फोकस है किसके ऊपर, कोरल रीफ के ऊपर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि कोरल रीफ बेसिकली होते क्या है। कोरल रीफ क्या है, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक है, कोरल रीफ क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं और ये पॉलिप के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलिप मेड्यूसा, इसका वैसे पूरा नाम होता है, आप बस पॉलिप याद रख लीजिए, वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। ये इस तरीके के होते हैं ये, ठीक है, ऐसे ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं,
कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इनके ऊपर क्या होते हैं फिर जू जेंथोलिन होते हैं ना, जो कि करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये क्या अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं किस तरीके से, जो जू जेंथोलिन है वो अपना खाना बनाएगा और खाना क्या करेगा शेयर करेगा किसके साथ, जो ये पॉलिप मेड्यूसा है। ठीक है, पॉलिप मेड्यूसा यानी कि कोरली बात कर लेते हैं, आप ज़्यादा तकलीफ में आ जाओगे ऐसे अटपटे नाम सुन के। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्या नाम है इसका, जू जेंथोलिन। तो जू जेंथोलिन क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब जब जू जेंथोलिन फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि जो प्लांट है उसके पास जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है, उसके पास होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल भी मैं बताऊँ टोटल 5 कैटेगरी में आता है। क्लोरोफिल ए छोटे साइज में, मतलब स्मॉल लेटर में लिखना होता है, कैपिटल में मत लिखना नहीं तो नंबर कट जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई। इसी से डिफाइन होता है कि जो क्लोरोफिल इसके अंदर है वो रेड कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ग्रीन कलर देगा, ब्राउन कलर देगा, किस तरीके की कलर देगा। ये जो क्लोरोफिल ए बी सी डी ई है, बस आप इतना याद रख लीजिए, 5 टाइप का होता है, इतने टेंशन नहीं लेते हैं। अब क्या है, 5 टाइप की जो कोरल, जो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, क्लोरोफिल की, वो पाई जाती है किसके अंदर, जू जेंथोलिन के अंदर। तो जिसकी वजह से कुछ एरिया आपको एकदम ब्लूइश दिखता है, कुछ एकदम रेड, कुछ एकदम ग्रीन और एकदम येल्लो, ब्राउन, इस तरीके के आपको अलग अलग एरिया देखने को मिलते हैं। तो ये रीजन है किसी भी एरिया के अंदर अगर कोरल रीफ के आपको अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं तो और कुछ इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने वाले जो पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है उसके अलग अलग वेरिएशन आपको मिलते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, जो यहाँ पे डोलोमाइट है, ठीक है, डोलोमाइट नहीं, यहाँ पे जो पॉलिप, जो पॉलिप है ये बना होता है किसका, लाइमस्टोन का। ठीक है, किसका बना होता है, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन बहुत ही अच्छा एक बोलते हैं ना कि सहायक है, मतलब बेस मटेरियल का काम करता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए इनकी जान को खतरा है। ठीक है, मतलब कि इनको काट के डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो लाइमस्टोन होता है और डोलोमाइट्स के बने होते हैं ये, लाइमस्टोन और, बिल्कुल सही जवाब दिया, डोलोमाइट। अब देखिए, लाइमस्टोन देख लिया हमने, डोलोमाइट देख लिया, तो अब आपको एक चीज़ ये दिमाग में नहीं आई कि भैया जो जू जेंथोलिन है इसको क्या पड़ी है पॉलिप के ऊपर आगे बैठेगी। अरे भाई, जो पॉलिप है वो घर देता है इसको, क्या देता है, घर देता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब भी हम कहीं पर नौकरी करने जाते हैं, जिस भी नए शहर में जा रहे हैं, क्या हमारा घर होता है? नहीं, जो मकान मालिक होता है वो हमें क्या देता है, रूम किराए पे देता है। बिल्कुल ऐसे ही, और जब हम रूम किराए पे लेते हैं तो क्या करते हैं, किराया देते हैं ना महीने महीने, तो ये भी क्या करता है, यहाँ पे इसको खाना देता है। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसे, सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन। अगर ये बिल्कुल सिंपल सी बातें कोरल के बारे में आपको समझ में आ गई है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन है, टोटल ऐसी कौन सी 7 कंडीशन है जो रिक्वायर्ड होती हैं किसको, कोरल को। सबसे पहली कंडीशन बताइए क्या होती है, गहराई। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है डेप्थ, करते हैं इसके पर थोड़ी सी चर्चा। ठीक है, अब देखिए, जो भी अगर आप देखेंगे ना कोरल्स, आपको गहरे समुंदर में नहीं मिलते हैं, इसको चाहिए शैलो वाटर। कैसा चाहिए, शैलो वाटर। और शैलो वाटर भी कैसा चाहिए, सी का चाहिए। ठीक है, शैलो सी वाटर, ये पॉइंट हो गया क्लियर। और बेसिकली ये कहां मिलता है शैलो सी वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वॉल्केनिक आइलैंड जो अभी अभी बनी रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर वॉल्केनिक आइलैंड में तो टेम्परेचर अब कंटिन्यू बढ़ता रहता है। अरे भाई, कई बार क्या होता है कि वॉल्केनो एक बार फटता है, कम से कम 300, 400, 1000, 1200, 10000 साल तक चुप बैठा रहता है। तो इतने टाइम पीरियड में ना कोरल अपने आप उगाते हैं। और अगर आप बात करें गहराई की, ये 300 फीट ये वाला जो डेप्थ है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बार बार जब हम यहाँ पे करेंगे ना थ्योरीज, उसके अंदर यही पॉइंट मैं पिक करूँगा। ये मैक्सिमम जो डेप्थ है कितने तक जा सकता है, 300 फीट तक, उसके ज़्यादा नीचे ये पहुँचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगा, सनलाइट नहीं जाती है। ठीक है, वैसे सनलाइट का तो हमने देखा है कि 200 मीटर तक जाती है, 300 फीट यानी कि 100 मीटर। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि 300 फीट से ज़्यादा ये नीचे नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, जो भी प्री कैम्ब्रियन एरा से रिलेटेड जितने भी लैंड स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको इनकी जो प्रोमिनेंस अमाउंट में प्रेजेंस देखने को मिलती है।
ठीक है। प्री कैम्ब्रियन एरा के जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो भी आपके कोस्टल पार्ट है ना वहाँ पे, उनके मैं बात कर रहा हूँ। पहले कंप्लीट हो गई कि इसको कैसा चाहिए, शैलो वाटर चाहिए, शैलो सी वाटर चाहिए। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और जो वॉल्केनिक आइलैंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी जो आइडियल लोकेशन है 300 फीट तक है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे पाए जाते हैं एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि आपके जो अटलांटिक है उस एरिया के अंदर भी मिले हैं, ये थोड़े से समुंदर के अंदर, हम ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। दूसरा दूसरा आता है इसके अंदर टेम्परेचर। दूसरा क्या आता है, टेम्परेचर। इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए 21 से 27, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए इसको कितना, 21 से 27 चाहिए। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ये 27 वाला टेम्परेचर है ना, ये बढ़ रहा है, 27 वाला टेम्परेचर बढ़ रहा है। और दूसरी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 21 से 27 का जो टेम्परेचर है, ये कहाँ तक, इसको कौन से लैटिट्यूड पे इसको बेहतर मिलता है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। यानी हमने टेम्परेचर के साथ साथ क्या कर लिया, इसकी लोकेशन भी देख ली, ये कहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। और कौन सी जो एक्सट्रीम नॉर्थ है ना, एक्सट्रीमली नॉर्थ और साउथ, वहाँ पे भी आपको मिलते हैं। पता क्यों, वहाँ पे वार्म करंट जाता है, ठीक है। वो करंट वाला लेक्चर याद कीजिए जिसमें आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर तक जा रही थी, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ एक्सट्रीम में मिलेगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम, क्योंकि वहाँ तक जाता है क्या, वार्म वाटर। बिकॉज ऑफ वार्म वाटर, ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ के साथ मैं आपको और भी पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करता जाता हूँ। यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद देखिए जो आइसोथर्म है, ठीक है, जो आइसोथर्म, बेसिकली आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, थर्म मतलब टेम्परेचर। अगर हम आइसोथर्म लेके चलें, जनरली ये 20 डिग्री का होता है पोल वर्ल्ड की तरफ, ठीक है, इसलिए ये पोल वर्ल्ड। चलिए मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ मैप के अंदर। अच्छा, हम डायग्राम बनाने वाले हैं, एक बहुत ही प्रॉपर डायग्राम बनाने वाले हैं। ये एरिया मुझे साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए, मतलब राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ़ करके बनाता हूँ। करें स्टार्ट, चलिए। साथ के साथ बनाते चलिए। अरे सर, साथ के साथ बनाएंगे तो समझेंगे कैसे कि बनता कैसे है। ये बात भी सही है भाई, बच्चे दिमाग तो बहुत लगाते हैं। अभी 30 डिग्री मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, लिख लिया होगा आपने अभी तक तो। ये तकरीबन तकरीबन बना दिया है हमने, बस ये थोड़ा सा छोटा रह गया था क्योंकि इनकी हाइट बराबर होनी चाहिए। अब भाई जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये सबसे पीछे रह जाता है सच में, ये घुटनों पे ले आता है ऑस्ट्रेलिया। अरे बनाने के लिए कामयाब, वैसे सोचो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताते भाई, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। डायग्राम हमेशा ना आपके अप्रॉक्सीमेट होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा उस पर मत जाइएगा कि एकदम भाई बोलते ना कि
पेंटिंग ही बनानी है। ना 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 ना, पेंटिंग नहीं बनानी होती आपको, बस एक बात हूँ, आपका वर्ल्ड का डायग्राम तो और भी जल्दी बन जाना चाहिए, ठीक है। जो मेन टाइम है लगता तो इंडिया के मैप में, लेकिन अगर इंडिया के मैप की प्रैक्टिस हो जाए तो इस कितना टाइम लगता है, ये बनाया, ये बनाया, इधर ये बना दिया, चलो भाई इंडिया का मैप डन हो गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आपके पास सवाल ऐसे आएंगे, कभी भी आपको पूरे इंडिया के मैप की जरूरत होती नहीं है, या तो आपको नदन सदन ईस्ट और वेस्ट इस तरीके से चाहिए होता है। अगर आपको नदन का पार्ट चाहिए, नदन तो बहुत जल्दी और बेहतरीन तरीके से बनता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ये दोनों चोंच ना एक साथ बाहर निकालनी है। ये लीजिए नदन का बन गया, इस तरीके से कर दीजिए। सदन ये इस तरफ का बनाना है, गुजरात के साइड का, ठीक है। इस तरीके से ये गुजरात का बन गया, ये लीजिए इस तरीके से बॉक्स में डाल दीजिए इसको। ये ट्रिक होती है, ठीक है। अगर आपसे टाइम मीन्स पूरा नहीं बनता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है एक्सिस में, ठीक है, कन्याकुमारी, और ये सही प्रॉपर मैच नहीं हो पा रही है, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटर को वैसे इंडिया में से इक्वेटर ना जाता नहीं है, लेकिन मेरे इस इक्वेटर की पता नहीं क्या आदत है, इंडिया के बीचों बीच से होके जा रहा है। ये समझ तो गए होंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर बना था, मैंने ज़्यादा नीचे बना दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो मैनग्रोव, याद आ रहे हैं मेरे को अभी, ये जो एरिया है ना, यहाँ से ये कोरल स्टार्ट होते हैं, ये 20 डिग्री वाला एरिया है, ठीक है। 20 डिग्री वाला कौन सा, टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, ये वाला वो आइसोथर्म है, ठीक है। आइसोथर्म की हमने बात की थी ना वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जाता हुआ दिखाई देगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है भाई साहब नीचे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिर तक जाता है ये 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मिडल से जाएगा ये 20 डिग्री आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होते हैं क्लाइमेटोलॉजी में मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये साउथ चाइना सी से ये इस तरीके से जाता है, और अब आपको क्या करना है, इस तरीके से शेड करना है इसे, ठीक है। बना लीजिए, आपके वहाँ पे भी आज हवा चल रही है क्या काफ़ी तेज़? आपको ये जो लेक्चर मिल रहा है 1 तारीख 5 बजे मिल रहा है, तो आप बताइएगा 30 तारीख को क्या आपके भी वहाँ पे हवा चल रही थी इतनी ज़बरदस्त? ये दरवाज़ा देख रहे हो कति खुलने को हो रहा है आज। चलिए आप जल्दी से ये बना लीजिए, फिर उसके बाद टेम्परेचर के बाद हम इसके अगले उस पर जाएंगे कि कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सनलाइट, ठीक है। हाँ, इसमें फिर लगून भी आ जाएगा, जैसे हम सनलाइट कवर करेंगे ना, लगून भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। हाँ, कोई यहाँ पे ट्रायंगल शेप लेता है, कोई इसको इस तरीके से घुमा के बना देता है, ये यहाँ से, ठीक है, ऐसे घुमा के बना देते हैं, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आपको बनाना है, बस आपके टाइम लिमिट के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपका डायग्राम बन जाना चाहिए। कर दूँ इरेज इसको पूरे को। अगला इसके अंदर जो पॉइंट है, हमारी जो कंडीशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, टेम्परेचर हो गई, डेप्थ हो गई, अगला है सनलाइट। अब बताइए सनलाइट कहाँ तक पेनिट्रेट होती है? मैक्सिमम 50 मीटर की गहराई तक सनलाइट क्या होती है, पेनिट्रेट होती है। तो अब होगा क्या, ये सनलाइट की जो बोलते हैं ना कि सनलाइट तक पहुँचने के लिए ये अपने आप को आउटवर्ड ग्रो 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 करता जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, ये एक जो पोर्शन होगा इसका समुंदर से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही वो समुंदर से बाहर आएगा किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो लगून की फॉर्मेशन करेगा। और अभी मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करता कर रहा था, तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोरल है
ये कुछ कोल्ड एरियाज हैं वहाँ पे भी अब ये डिस्कवर किए गए हैं, वहाँ पे भी इनको खोजा गया है। जैसे आपका फ्रांस हो गया, यूके हो गया, उसके कोस्ट के चारों तरफ ये पाए गए हैं, यानी कि अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन के अंदर भी अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक जाए, यूके और फ्रांस के कोस्ट के पास। एक टाइम ऐसा था पास्ट के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के बोलते ना जानी दुश्मन हो रखे थे ये, फिर देखा कि नहीं भाई हाथ मिलाना ही ज़्यादा सही है। ठीक है, अमेरिका को आज़ाद करवाने के पीछे फ्रांस का हाथ था। और फ्रांस को आज़ाद क्यों करवाया? क्योंकि कनाडा को आज़ाद करवाने के पीछे किसका हाथ था? यूके का हाथ था। ठीक है, तो दोनों की कभी बनती नहीं थी, इन दोनों की कभी बनी नहीं। मतलब अमेरिका को आज़ाद करवाते करवाते बेचारा जो पूरा फ्रांस है ना वो रास्ते पे आ गया था। इसी वजह से आपको तीन शब्द देखने को मिलते हैं, लेबरते, फैतरते और इक्वालिते। ये तीनों वर्ड यहाँ से आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसके अंदर डिटेल में करवा दूंगा मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट की। तीसरी रिक्वायरमेंट है सनलाइट की। इसमें किस तरीके का एसोसिएशन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जब सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इनके अंदर सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन है। किस किस के बीच में? जू जेंथोलिन और किसके बीच में? यहाँ पे पॉलिप के बीच में कैसा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। डन यहां तक। अब ये जो क्या है, जो जू जेंथोलिन है ये है माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो कि प्रोवाइड करते हैं फूड और कलर। ठीक है, लिख लीजिए, ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी एल्गी हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? खाना और कलर। एक बात हो, कलर की ये भी स्पेलिंग होती है, एक अमेरिकन स्पेलिंग है और एक ब्रिटिश स्पेलिंग है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड ये करता है एग्जामिनर ने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि एक टाइम मतलब जब हम किसकी बात करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आउटवर्ड ग्रोथ करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, और अभी इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं? कोरल बनाएंगे। ठीक है, कोरल क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, तो यहाँ पे हम रेड कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब देखिए ये कोरल क्या करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से आउटवर्ड अपने आप को बाहर निकालता जाएगा। किसके लिए? ताकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना क्या बना सके? फूड बना सके। अब इस चक्कर में हुआ क्या है, ये पूरा ना पानी हुआ करता था कुछ इस तरीके से, ये पानी हुआ करता था। अब ये वाला जो पोर्शन है ना पानी का, ये हो चुका है अलग। जो ये वाला जो ओशन है ना, ओशन के पानी से ये हो चुका है अलग। इस तरीके की जो भी स्ट्रक्चर बनती है उसको बोला जाता है लगून। क्या बोला जाता है? लगून। समझ में आ गया? हमेशा आप ये पाएंगे जो भी नए पॉलिप होते हैं, जो बोलते हैं नई जनरेशन होती है, वो टिप के ऊपर मिलती है। ठीक है, मतलब इसका जो टॉप होता है ना वहां पे, ये सी लेवल है। ठीक है, समुंदर का लेवल है और ये सी लेवल से ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, बना लीजिए ये डायग्राम। ये 200 मीटर की गहराई है, ये बना लीजिए। अरे भाई साइड में हूँ। इसके बाद आएगा आपका सैलिनिटी। सैलिनिटी बेसिकली, एक मिनट रुकिए, सैलिनिटी बेसिकली क्या होती है? सैलिनिटी होती है नमक। ठीक है, इसको कितना सलाइन वाटर चाहिए? इसको 27 से 40 के बीच का चाहिए सलाइन वाटर। ठीक है, तो फोर्थ इसकी कंडीशन है सैलिनिटी। टेम्परेचर, इसके जो मेजर मेजर पॉइंट है ना मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ताकि जब लास्ट में मैं रिवीजन करवाऊँ ना आपकी, तो आपको यहाँ पे दिखता रहे।
और इसकी सैलिनिटी हो गई कितनी बताई थी अभी मैंने, 27 से 40 पार्ट पर थाउजेंड एयर, 27 से 40 के बीच की क्या चाहिए आपको, सैलिनिटी चाहिए। अब ये सैलिनिटी होती क्या है, सैलिनिटी, अच्छा सैलिनिटी जब आपको ये इतनी चाहिए तो ये कौन से हिस्से को अवॉइड करेगी, ये कहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, ये वहाँ नहीं मिलेंगे जहाँ पे रिवर आ रही है, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ आ रही है ना, नदियों के सामने ये कभी नहीं मिलेंगे। दो रीज़न है, रीज़न क्या है, सबसे पहला नदियों के अंदर होता है मीठा पानी, इनको मीठा पानी नहीं चाहिए, सलाइन वाटर चाहिए। सलाइन वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे कौन है, कोरल है, वो किसका बना हुआ है, लाइमस्टोन का बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए चाहिए कैल्शियम ज़्यादा चाहिए उसको, ठीक है, और कैल्शियम ज़्यादा किस में होता है, सलाइन वाटर के अंदर होता है। यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड। इसके बाद देखिए जब यहाँ पे रिवर आती है, दूसरा रीज़न क्या है, जब हम यहाँ पे पांचवा पॉइंट करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साथ के साथ, टर्बिडिटी, ठीक है, ये है टेक्निकल वर्ड टर्बिडिटी। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप सुने समझे तो टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, कभी मिट्टी डालिए पानी के अंदर, उसको ऐसे जोर से घुमा दीजिए, स्टीयर कर दीजिए, जो अब आप, आपको पानी दिख रहा है ना एकदम गिदला गिदला सा, मतलब धुंधला धुंधला सा पानी दिख रहा है, गंदा गंदा सा पानी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो सेडिमेंट है, जो सिल्ट है, वो पानी के अंदर अच्छे से घुल मिल चुका है, घुल मिल चुका है। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, जब रिवर किसके अंदर मिल रही होती है, ओशन के अंदर मिल रही होती है। तो इसलिए पहला रीजन क्या होता है अवॉइड करने का, फ्रेश वाटर होता है, और इनको फ्रेश नहीं चाहिए, 27 से 40 के बीच का इसको सलाइन वाटर चाहिए। दूसरा, जो टर्बिडिटी की वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, सिल्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से जो इनके माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, भर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप ये जानना चाहें ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, इसकी लोकेशन आप चाहे तो लिख लीजिए, गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मिलेगा ये, कैसे कच्छ है ये, लक्षद्वीप हो, लक्षद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे आपको जो हमारे कोरल रीफ है वो मिलते हैं। आपके लिए सवाल ये है, मैक्सिमम कोरल रीफ इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन वन केरला, ऑप्शन टू तमिलनाडु, ऑप्शन थ्री वेस्ट बंगाल, ऑप्शन फोर गुजरात, आंसर कीजिएगा कमेंट में, माफी चाहूंगा। तो इसके बाद देखिए हमने क्या देखा, स्पेस देख लिया, टर्बिडिटी देख ली, अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है वेव और करंट, ठीक है, अरे बिजली वाला करंट नहीं, वेव करंट और टाइड। इसका देखिए बात ऐसी है, इसको चाहिए मस्त बिंदास लाइफ, इसको कोई टेंशन नहीं चाहिए कि भाई एकदम से स्पीड पानी आ गया, लाइफ जैसे बोलते हैं ना कि हर किसी को लाइफ में एकदम स्टेबिलिटी सक्सेसफुल चाहिए, इसी तरीके से ये भी बोलता है भाई अपने को ज़िंदगी एकदम बिंदास चाहिए, मस्त चाहिए, अपने को नहीं चाहिए भाई पानी कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे आ रहा है, कभी एक ही स्पीड में बहुत स्पीड से लेके जा रहा है। तो इसलिए हमेशा ये देखना, जब भी क्या होता है टाइड अप एंड डाउन होता है उस जगह पे, ये तकरीबन तकरीबन एरिया को ये क्या करते हैं, अवॉइड ही करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, कहाँ गया भाई, सेवेंथ पॉइंट है ना हमारा, ऑक्सीजन, बिंदास लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इसके रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऊपर का जो लेयर है ना, जो इसको सरफेस वाटर बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तकरीबन तकरीबन मान के चलिए 100 फीट के आसपास, 100 से 300 फीट के आसपास अगर इसके प्रेजेंस है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोमिनेंट अमाउंट में मतलब ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन जितनी गहराई में जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए ये भी एक रीज़न है, ये ज़्यादा गहराई में नहीं मिलते हैं। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमने देखी है। सबसे पहले हमने गहराई देखी, तो इसको मिनिमम मिनिमम नहीं मैक्सिमम ये 300 फीट की गहराई पे मिल जाते हैं। फिर हमने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर ये 21 से 27 इसको बिल्कुल सही जमता है। उसके बाद ये बेचारा क्या करता है, आपने डॉग देखे हैं ना, गर्मी के दिन इतनी बड़ी अपनी जीभ बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा इसकी हालत हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद हमने तीसरा क्या देखा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सनलाइट, सनलाइट इसको क्या चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो लगा हुआ है मतलब जो एल्गी है उसका नाम क्या है, जूज एंथोलिन, उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स है ए बी सी डी ई,
और जो पिगमेंट जितनी प्रोमिनेंट अमाउंट में है वही क्या डिसाइड करता है कलर। अब जूज इंथलिन के अंदर यहाँ पे क्या है पिगमेंट जो कि करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से मिलता है फूड और खाना। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर, तीन चीज़ें होगी क्लियर। फिर उसके बाद आता है सैलिनिटी। सैलिनिटी इसको चाहिए 27 से 40 के बीच में, इसलिए कभी भी जहाँ पे नदियाँ मिल रही होती है ना समुद्र में वहाँ ये नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कोरल रीफ नहीं मिलेगी। तीसरा ये फोर्थ है ना, फिफ्थ आएगा आपका टर्बिडिटी। टर्बिडिटी होता है कि जब नदी आ रही होती है, ठीक है, जब नदी एंटर करती है उसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है सेडिमेंट, तो यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिदलापन होता है पानी में। गिदलापन, अरे ये बिल्कुल नॉर्म बोलते ना, देसी लैंग्वेज आ गई। एग्जाम्पल बताया था, उस मिट्टी को मिला दीजिए पानी के अंदर, एकदम डस्टी लुक आता है ना वाटर का, ये वही वाटर है। किस लिए ये अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, उसके पोर्स को ये बंद कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रीदिंग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, फिर इनको जो वेव करंट और टाइड, ये इसको क्या करते हैं जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनको एकदम चाहिए कूल काम, एकदम शांत दिमाग चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी में कोई टेंशन मारी नहीं चाहिए इनको, तो इसलिए इन चीज़ों को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं। और बात रही ऑक्सीजन, जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए किनको? कोरल को और हमें भी। ठीक है, और ऑक्सीजन की जो लेवल है, जैसे जैसे समुद्र में नीचे गहराई में जाते जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। इसी चीज़ को आगे क्या करते हैं हम कंटिन्यू करते हैं किसके अंदर? टाइप ऑफ कोरल रीफ के तहत। ठीक है, बस ये मेजर पॉइंट थे। अब जब भी कोरल रीफ के बारे में आए तो ये 6-7 पॉइंट आप अपने दिमाग में दौड़ा लीजिएगा, भगा लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में एकदम सेट बैठ जाएं। और कभी ये कोई पूछे ना आपसे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से क्या दिक्कत हो रही है इनको, किनको? कोरल रीफ को, तो आपके दिमाग मतलब दिमाग के अंदर भी और जवाब में भी टेक्निकल ये जवाब होने चाहिए। टेम्परेचर की आप बात करेंगे, चाहे आपका आंसर राइटिंग हो, चाहे आपकी कन्वर्सेशन हो, चाहे आपकी डिस्कशन हो, इस तरीके के आपके पॉइंट्स आने चाहिए, तभी पता चलेगा भाई आप एक ऑफिसर हैं। ठीक है, देखिए जिस दिन आपने बनना डिसाइड किया था ना कि आपको ऑफिसर बनना है, आप तो उसी दिन बन गए थे। दुनिया को तो बस डेट की अभी से इंतजार है कि वो कौन सी तारीख है। ठीक है, जब ऑफिशियली आप पे ठप्पा लग जाएगा कि यस नाउ यू आर ऑफिसर, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इसके बाद का हमारा जो मेन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ है। कोरल रीफ बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, फ्रिंज, बैरियर, अटॉल। बताता हूं क्या लिख रहा था मैं, सही में बोलते बोलते ना कई बार दिमाग से चीजें मिस हो जाती हैं। ये क्या लिख दिया भाई? अच्छा, टाइप्स लिखा है, शब्द जोड़ा करो भाई। कोरल रीफ, कोई सवाल अभी तक नहीं आया? चलिए, टाइप ऑफ कोरल रीफ, इसके अंदर ना डायग्राम ही डायग्राम है, अभी जितने भी आएंगे अभी डायग्राम आएंगे। ठीक है, डायग्राम आप साथ के साथ क्या करेंगे, डेवलप करते चलेंगे। इसके लिए मैं कुछ अलग से कोई बोलते नहीं, चर्चा वर्चा नहीं चलेगी, ये यहीं पे ही मैं आपको सारी चीज़ें क्या करता हूँ बना के दिखा देता हूँ। तीन होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिंज रीफ क्या होती है। देखिए इसके अंदर मैं तीन कलर ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा फ्रिंज रीफ क्या होती है। फ्रिंज रीफ बेसिकली ना यहाँ से ऐसे बढ़ती जाएगी, इधर से इस तरीके की अगर रीफ मिलती है तो ये क्या कहलाती है? फ्रिंज रीफ कहलाती है। बनाना रेड से था, कर दिया ब्लू से, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये है फ्रिंज रीफ। अरे यार बार बार आई आता है, फ्रिंज रीफ हो गया। फ्रिंज रीफ के बाद आता है बैरियर रीफ, नाम से ही क्लियर है भाई, बैरियर मतलब रुकावट। ये क्या करेगा? रुकावट पैदा करेगा। किसके बीच में रुकावट पैदा करेगा? ये रुकावट पैदा करेगा जो पानी है उसके अंदर। क्या टेढ़ा बना दिया मैंने फ्रिंज रीफ? कोई बात नहीं, सोच लीजिएगा टेक्टोनिक मूवमेंट हो गई है इसलिए ये थोड़े से आड़े तिरछे हो गए हैं। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं अभी बैरियर रीफ। ठीक है, अब देखिए बैरियर रीफ कैसे होते हैं।
बैरियर रीफ कुछ इस तरीके से आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए इस बैरियर रीफ ने क्या किया, इस बैरियर रीफ ने किया ये है कि यहां पे क्या था, पानी था, इधर जो पानी था समुंदर का उसको अलग कर दिया है इससे, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, इसको अलग कर दिया उससे या उसको इससे अलग कर दिया, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले यानी कि पता नहीं कल के लेक्चर में बोला था, आज के लेक्चर में आपको बताया है, क्योंकि मैं तो एक ही दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, ठीक है, माइट भी आपको ये लेक्चर आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, क्या बोला था मैं, हाँ इसको लगुन बताया था ना मैंने, वाह कितना बेहतरीन डायग्राम बना रहे हैं आप, देख रहा हूँ भाई मैं आपके ही डायग्राम को देख रहा हूँ, बहुत अच्छे बना रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया, एग्जाम में भी ऐसी क्वालिटी रखना, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ये है बैरियर रीफ, अब अटॉल पता क्या करेगा, चारों तरफ घूम जाएगा इसके, ठीक है, अटॉल क्या करेगा, चारों तरफ घूम जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाल कलर कहाँ गया, ये रेड कलर, ये भी आप थोड़ा सा डिपिक्ट मान ही लीजिए कि भैया रेड कलर ही मैंने किया है ये, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे कि मैं रेड कलर से ही ये पूरे जो डायग्राम है वो बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पूरी बैरियर है, ठीक है, इसको बोलते हैं अटॉल, यानी कि बीच में क्या होता है पहाड़, और पहाड़ के चारों तरफ कभी आपने देखा ना बैरियर्स होते हैं, वो एटॉल ही होता है पूरा, अगर सर्कुलर मैनर में है तो। पानी भर दो बस इसके अंदर, और क्या करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालेंगे ना तभी पता चलेगा कि अच्छा ये सराउंडेड है ये, ठीक है। और थोड़ा सा डिपेक्ट करने के लिए ये बना दो इसके ऊपर, अरे अनार नहीं है ये, फुलझड़ी नहीं है, समझ गए अभी आप क्या है, ये नारियल का पेड़ है ये यहाँ पे भी बनाना था, जगह ही नहीं बची है। तो इसका नाम क्या है, ये है अटॉल रीफ, ठीक है। आगे बस हमारा यही रहेगा कोर्स ऑफ डिस्कशन, ये बनते कैसे, इनके पीछे के जो बोलते हैं ना थ्योरीज क्या है, डेफिनेशन मतलब रीजन क्या है, अलग अलग हमारे जो क्या नाम है ओशनोग्राफर्स है उन्होंने अपने अलग अलग क्या बताई है, थ्योरीज बताई है, उसके थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है जो टाइप ऑफ यहाँ पर रीफ बनती है उसके पीछे का रीजन क्या है। फ्रिंज रीफ बना लिया आपने, बैरियर रीफ बना लिया आपने, बहुत बढ़िया। इसके बारे में एक एक शब्द आप लिख लीजिए, ठीक है, चाहे तो एक अलग से नोट बना लीजिए, मैं उस कुछ आपको पॉइंटर्स लिखा देता हूँ फ्रिंज रीफ के, बैरियर रीफ के और अटॉल के बारे में, ठीक है, काम आसान हो जाएगा आपका। लिखिए फ्रिंज रीफ के बारे में आपको चार पॉइंट लिखा देता हूँ, लाइज क्लोज टू द शोर या फिर आइलैंड, शोर का मतलब होता है किनारा, लाइज क्लोज टू द शोर स्लैश आइलैंड। दूसरा पॉइंट, दिस इज फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। ये फ्रिंज रीफ क्या होगा, आगे कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा और लास्ट में ये इसमें डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। इसकी विड्थ कितनी होती है, लिख लीजिए, आधे किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर, आधे किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक। लाइट बहुत जा रही है आज बार बार, लगता है ये भी अटॉल वगैरह को देखने के लिए गई है, लाइट टूर मनाने के लिए जा रही है। लिख लिया आपने यहाँ तक, चलिए 2.5 किलोमीटर तक होती है इसकी। मे और मे नॉट बी प्रेजेंस ऑफ लगून,
ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लगून की यहाँ पे प्रेजेंस हो, मे और मे नॉट बी प्रेजेंस ऑफ लगून. इफ लगून इज अ प्रेजेंट इट इज नोन एज अ बोट क्रस्ट. अगर यहाँ सॉरी बोट चैनल, बोट क्रस्ट नहीं बोट चैनल. इफ लगून इज प्रेजेंट इट इज नोन एज बोट चैनल. एग्जाम्पल मेडागास्कर, लक्षद्वीप, ये एग्जाम्पल है मेडागास्कर लक्षद्वीप. उसके बाद आता है बैरियर रीफ, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए. बैरियर रीफ होता है लार्जेस्ट मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वाइडेस्ट ऑफ ऑल रीफ. ये पता क्या होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है. जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास है, 3000 किलोमीटर के आसपास का लंबा है वो. ठीक है, लॉन्गेस्ट हो गया. एक मिनट, लॉन्गेस्ट हो गया, मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वाइडेस्ट ऑफ ऑल द रीफ. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अराउंड 5 to 6 किलोमीटर वाइड. ये कितना है, 5 से 6 किलोमीटर चौड़ा. ठीक है, 5 to 6 किलोमीटर वाइड. वेयर सीवर्ड साइड इज यंगर एंड स्टीपर, इसकी बात हो रही है. वेयर सीवर्ड साइड इज यंगर एंड स्टीपर. नेक्स्ट है, देयर इज ऑलवेज अ लगून. यहां पे था, होगा नहीं होगा, लेकिन यहां पे ऑलवेज लगून होगा. अभी मैंने ग्रेट बैरियर रीफ की बात की थी ना, चलिए थोड़ा सा एक लाइन और एक पॉइंट और लिख लीजिए. बैरियर रीफ इज नेवर कंटिन्यूअस बट आर ब्रोकन एट सेवरल प्लेसेस. बैरियर रीफ आर नेवर कंटिन्यूअस बट आर ब्रोकन एट सेवरल प्लेसेस फॉर्मिंग बोट चैनल. बोट चैनल बेसिकली यहां से जो पानी वाले जहाज है ना वो आते जाते हैं, इसलिए इसको बोट चैनल्स बोला जाता है, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल लिखिए इसके अंदर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैंने क्या बोला था, 3500 किलोमीटर. अपडेटेड डेटा में लिखवा रहा हूं अभी आपको, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, लंबा नहीं है पूरा. ठीक है, दूसरा इसका काफी ज्यादा जो एरिया है कोरल ब्लीच हो चुका है. ठीक है, डेड एरिया वो कन्वर्ट हो चुका है. और दूसरा अभी क्या हुई थी, फायर भी हुई थी ना यहाँ पे, फॉरेस्ट फायर, उसका भी असर पड़ा था. तो बता देता हूँ मैं अपडेटेड. ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच एक्सटेंड्स मोर देन 2028 किलोमीटर. 2028 किलोमीटर. एक बार आप अपने एग्जाम को जब लिखने बैठे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा क्या कोई और अपडेटेड रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है. ठीक है, अब आगे लिखिए आप एटॉल के बारे में. एटॉल इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स कोरल रीफ विच इज रिंग और क्राउन लाइक रीफ. जैसे ये आप देख रहे हैं पेन का जो ढक्कन है कैसा है, सर्कुलर है, बोलिए यस. हाँ, सर्कुलर है ना, बिल्कुल इसी तरीके का. इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स कोरल रीफ विच इज रिंग और क्राउन लाइक रीफ. फर्स्ट ऑफ कंप्लीटली एनक्लोज शैलो लेगून. कंप्लीटली एनक्लोज शैलो लगून. फुल स्टॉप. इट इनिशियली हैज सबमर्ज्ड प्लेटू एंड आईलैंड. इनिशियली नहीं, जर्नली. इट जर्नली हैज सबमर्ज्ड प्लेट्यू एंड आइलैंड्स. इसी को ही ये बोला गया था कि सब्सिडेंस हुआ है. जैसे जैसे इसके ऊपर वजन बढ़ता जाता है, ये वाली जो चट्टाने हैं ना, ये नीचे की तरफ धंसती जाती हैं. ठीक है, एक है स्टैंड स्टिल थ्योरी, वो यही बोलती है कि ये खुद ब खुद बड़ा होता हुआ ऊपर आया है. ठीक है, कहाँ तक लिख लिया आपने, लिख लिया. अटॉल आर टू टाइप, ट्रू अटॉल. अटॉल भी आके जल के दो टाइप के हो जाते हैं, ट्रू अटॉल. ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए. विच इज कंप्लीटली सर्कुलर इन शेप. जो ट्रू अटॉल है, विच इज कंप्लीटली सर्कुलर इन शेप. दूसरा लिखिए आइलैंड अटॉल.
एक अभी हमने देखा है ट्रू एटॉल, ठीक है, जो कि कंप्लीटली कैसा है, सर्कुलर शेप में है। अभी जो आपको लिखना है आइलैंड एटॉल, ठीक है, लिखिए अब, विच हैज आइलैंड एट इट्स सेंट्रल पार्ट, जो उसका सेंट्रल पार्ट है वहां पे क्या होगा, आइलैंड होगा। सारे करवा दिए ना पॉइंट आपको, हाँ, बस कोरल आइलैंड और लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपनी थ्योरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस दो टॉपिक और बचे हैं आज के, कोरल आइलैंड, ठीक है, नेक्स्ट है आपके, ये दो हो गए, इसके बाद तीसरा जो है कोरल आइलैंड है। लिख लीजिए इसके अंदर, विच डज नॉट हैव आइलैंड इनिशियली बट एट लेटर स्टेज आइलैंड डेवलप्स, ठीक है, शुरुआत में इसके कोई भी नहीं था। चलिए मैं दोबारा से बोल देता हूं, विच डज नॉट हैव आइलैंड इनिशियली बट एट लेटर स्टेज आइलैंड डेवलप्स, बट एट लेटर स्टेज आइलैंड डेवलप्स। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिख लीजिए, जो कि आखिरी रहेगा, द बेस्ट ऑफ एटॉल इन द वर्ल्ड इज, बताइए कौन सा है बेस्ट, बताइए बताइए बेस्ट एटॉल, फूना फाती एटॉल, कौन सा है फूना फाती एटॉल, कहाँ पे प्रेजेंट है ये, फूना फाती एटॉल। तो यहाँ पे जो आइलैंड, ये क्या नाम था हमारा, टाइप ऑफ कोरल रीफ वाला टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे अब थ्योरीज को स्टार्ट, तो मुझे दीजिए आप 30 सेकंड का टाइम, ताकि मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, आप भी पानी पीना चाहें तो पी लीजिए। चलिए कर दिया जाए इसको साफ। अभी देखिए हम क्या करने वाले, तीन थ्योरी रहेंगी, एक तो है सब्सिडेंस थ्योरी, सब्सिडेंस थ्योरी, फिर है स्टैंड स्टिल थ्योरी, फिर है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। जो सब्सिडेंस थ्योरी है उसको सपोर्ट किया है डार्विन डाना डेविस। अरे भाई एक बार आप क्या बोलते हैं, थोड़े से सक्सेसफुल हो जाइए, फिर आपका नाम हर जगह जुड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से एक बार आप क्या कीजिए, ज्योग्राफी को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीसरी बार आप हर जगह पे अपने माइंड को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा ज्योग्राफी का नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के साथ है, पहली बार पढ़ते हैं कुछ दिमाग में नहीं घुसता, लेकिन लगता पता क्या है, सब आता है, सब पता है हमें, लिखने बैठते हैं कुछ भी नहीं पता है। एक बोलते हैं ना कि फोकलोर कहानियां हैं कुछ इस तरीके की, कि चलिए अभी वो सही वक्त नहीं है कहानी सुनाने का, अभी सही वक्त नहीं है। आप भी सोचते होंगे मैं एक ही लाइन को दो दो बार बोलता हूँ ना, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली थ्योरी कौन सी है, सब्सिडेंस थ्योरी। अरे खुल जा यार, सब्सिडेंस का मतलब होता है नीचे 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 धसते जाना, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो थ्योरी दी है ना, ऐसे नहीं है कि भाई कोई नींद में उठा और थ्योरी दे दी, प्रॉपर स्टडी करके तभी ये थ्योरीज दी गई है। इसको सपोर्ट करता कौन है, सपोर्ट करता के ब्लैक कलर में लिख देते हैं नाम, ट्रिपल डी है, डार्विन डाना डेविस, मैंने डेविड लिख दिया क्या, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सब्सिडेंस। स्टैंड स्टिल थ्योरी क्या बोलती है, पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहेगा, कोरल रीफ बढ़ रहे हैं,
ठीक है। स्टैंड स्टिल थ्योरी, थ्योरी लिखा है किसके नीचे? आखिरी आपका ग्लेशियल कंट्रोल, ठीक है। ग्लेशियल कंट्रोल, ये जो तीन थ्योरी है इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस क्या है, थोड़ा सा आपको गहराई में ले जाके चलूंगा कि कब क्या कौन से पॉइंट बताए गए थे, ठीक है। सबसे पहले देखिए सब्सिडेंस थ्योरी क्या बोलती है, इसके अंदर कौन कौन महारथी है इसके अंदर, इसमें डार्विन, डेविस, ये क्या अपने कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, ये बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लैंड मास के कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। क्या कंसेप्ट है इनका, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लैंड मास, ये कीवर्ड्स है यहां पे मैं लिख देता हूं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ते क्रम के अंदर, ठीक है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लैंड मास, एक चीज गौर करी डेविस भाई साहब, इसके अंदर भी है, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही है, और जब अपनी थ्योरी दी थी यूथ मैच्योर ओल्ड एज उसमें क्या बोल रहे हैं, नहीं तो सडन होती है, ठीक है। बेसिकली देखिए अगर थोड़ी टाइमलाइन की बात करें, ये स्टार्ट की गई थी डार्विन के द्वारा 1837 के अंदर, ठीक है। 1837 के अंदर क्या किया गया, इसको स्टार्ट किया गया डार्विन के द्वारा। अच्छा डार्विन के यहाँ पे जब ये स्टार्ट करते हैं ना, इनकी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, कौन कौन सुनना चाहेगा, ये आपके काम की कहानी है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए डार्विन क्या थे, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था उनका कि भाई हाई रॉक बैकग्राउंड था उनका, फैमिली बहुत स्ट्रांग थी, एवरेज फैमिली से थे ये, उस टाइम 22 साल के थे अराउंड अराउंड, तो इनको कहीं पे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो हुआ क्या, एक ना एक्सपीडिशन जाने वाला था, ठीक है, एक एक्सपीडिशन जाने वाला था, और वहाँ पे एक ना ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट थी जो कि क्या कर सके, स्टडी कर सके, ठीक है, जो कि क्या कर सके, स्टडी कर सके। और अब स्टडी किस चीज़ की करेगा, अब स्टडी करेगा बहुत से, ये जा रहा था एक्सपीडिशन जो अमेरिका है ना उसकी तरफ, ये एक्सपीडिशन भेजा गया था। अब क्या करें, जिस पर्सन को पहले सेलेक्ट किया गया था उसने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई 6 साल मैं अपनी फैमिली से कैसे दूर रहूँगा। तो फिर यहाँ पे जैसे तैसे वो पहुँचे डार्विन के पास। डार्विन ने जैसे ही सुना अच्छा काम मिलने वाला है, बोला हाँ यस यस आई विल डू। डार्विन हो गया था यार, उसे नहीं पता करना क्या है, ठीक है। उसको थोड़ी बहुत जैसी तैसी उसने जानकारी जुटाई उस आदमी से जो वो पहले वहाँ पे जाने वाला था, उसने बोला कि आप नहीं जा रहे, चले मुझे तो थोड़ी जानकारी दे दीजिए। तो वहाँ से डार्विन का बोलते हैं ना राइज होना स्टार्ट होता है। इस कहानी से आपको यही सीखने को मिलता है, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले दोनों हाथों से ग्रैब कर लो, ठीक है। अगर आपको पेपर 1 आता है, पेपर 1 के पार्ट 1 के अंदर अगर आपको जो सवाल ऐसा लगता है ना, इसके अंदर डायग्राम बनाया जाता है, दोनों हाथ से उस सवाल को ग्रैब कर लो। ऐसा ही जो पार्ट 2 होगा, पेपर 1 का पार्ट 2 होगा ना, अगर आपको क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सवाल आया है और उसकी जगह कोई और अटेम्प्ट किया जा सकता है उसको करो, दूसरे को मत करो। मतलब जो क्लासिफिकेशन वाला है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि 126 टाइप ऑफ की क्लासिफिकेशन कैसे आप लिखोगे, ठीक है। तो ये होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात की है, यहाँ पे डार्विन ने अपनी जो थ्योरी है स्टार्ट किया 1837 के अंदर। अब वो कौन सा एक्सपीडिशन था, वियोग ऑफ बेगल, वियोग ऑफ बेगल, अब इनके द्वारा जो स्टडी की गई थी वो आगे रखी गई, और फिर एक सिमिलर ऐसी ही स्टडी की गई थी लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टडी थी। और वो किसके द्वारा की गई थी स्टडी, वो स्टडी गई थी डाना के द्वारा, अरे 1842 के अंदर की गई थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं आज से 150-160 साल पहले की बातें चल रही हैं, ठीक है। और फिर डेविस ने क्या किया 1928 में इसको क्या किया, थोड़ा सा रीस्टैब्लिश किया अपने आइडिया को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके, ठीक है। 1928 में यहाँ पे डेविस भाई साहब आते हैं, यानी कि 1837 के अंदर थ्योरी स्टार्ट होती है और 28 के अंदर क्या होती है, इसको थोड़ा सा रीस्टैब्लिश किया जाता है। रीस्टैब्लिश क्यों किया जाता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी बहुत सी नई चीज़ें पता चली थी, खोज हुई थी। तकरीबन 100 साल का आ जाता है ना, 100 साल का तो नहीं, तो कम से कम 91 ईयर का तो आपको गैप देखने को मिल ही रहा है, 91 ईयर का तो गैप है ही।
अब देखिए यहां पे अजम्पशंस क्या लेके चले थे वो समझना जरूरी है। सबसे पहला, जो कोरल है, जो पॉलिप है, वो सिर्फ सर्वाइव करते हैं शैलो वाटर में, यही अजम्पशंस हम लेके चले थे ना। ठीक है, अजम्पशंस क्या लेके चले थे, स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। हमने सबसे पहले कंडीशन इसलिए ही पढ़ी थी ताकि आपके दिमाग में बात रहे और यहाँ पे मुझे क्या ना करना पड़े, एक्सप्लेन ना करना पड़े। सबसे पहले अजम्पशंस क्या लिया था, शैलो वाटर, ठीक है, डीप वाटर में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पहला अजम्पशन यही था। दूसरा अजम्पशन क्या था, जो यहाँ पे पॉलिप जो कॉरल की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, अपने आप को साथ जोड़ के एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं। ठीक है, दूसरी इनकी अजम्पशंस क्या थी, ये क्या होते हैं, आपस में जोड़ते हैं, मतलब कम टुगेदर। यहाँ पे मैं सिर्फ टुगेदर लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। और यहाँ पे मैं फ्रिंज रीफ लिख देता हूँ, ठीक है, इससे आप समझ जाइएगा। अब ये क्या है, आपस में आके जुड़ रहे हैं, ठीक है, और जब ये आपस में आके जुड़ते हैं तो ये कंप्लीट क्या बनाते हैं, फ्रिंज रीफ बनाते हैं। ठीक है, आगे चल के ये फ्रिंज रीफ से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं अटॉल में। इसी को ही इन्होंने क्या बोला था, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लैंड मास। क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लैंड मास। अब यहाँ से अगर आप इनकी थ्योरी देखें, इनकी थ्योरी इसी तरीके से क्या करती है, आगे आगे इनको बढ़ाते हुए चलेंगे कि पहले क्या है कि पानी ऊपर चलता गया, बढ़ता गया, ठीक है, और ये आगे आगे अपने आप को एक्सपेंड करते गए, एक्सटेंड करते गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दो डायग्राम अलग से बना के दे रहा हूँ जो इनकी थ्योरी को क्या करती है, डिपिक्ट करती है। क्या मैं बना के दे दूँ आपको दोनों डायग्राम, चलिए आप ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, वन एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, डायग्राम पहले बना लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पे इनकी थ्योरी के अंदर। अगर कहो तो मैं आप थ्योरी डिक्टेट करवा दूं, हैं, लिखवा दूं थ्योरी, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बोलते हैं ना, पक्का मटेरियल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मैं आपको ये तीनों थ्योरी डिक्टेट करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए आपको अगर डिक्टेट करवानी है, ठीक है, ये डायग्राम मैं फिर थोड़ी देर में बनवाता हूँ, लिखना स्टार्ट कीजिए। ये थ्योरी है, थ्योरी के अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको साथ के साथ समझ में भी आ जाए और आप इसको लिख भी पाए। लिखिए, इन फर्स्ट स्टेज, इन द फर्स्ट स्टेज फ्रिंज रीफ इज फॉर्म्ड विच इज अटैच टू अ न्यू आइलैंड। फ्रिंज रीफ इज फॉर्म्ड जो कि अटैच है किससे, न्यू आइलैंड से, और सबमरीन प्लेटफॉर्म, सबमरीन प्लेटफॉर्म होता है कि वो अब पानी से बाहर नहीं निकला लेकिन वो जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर पूरा पानी आ रखा है। ठीक है, फुल स्टॉप। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रीफ ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, अब क्या है, ये रीफ बन चुकी है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रीफ ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर कॉमा आइलैंड स्टार्ट सबसाइडिंग, आइलैंड स्टार्ट सबसाइडिंग, जैसे ही ये बनी है, ठीक है, इसका वजन बढ़ गया, जैसे ही वजन बढ़ा है ये क्या कर रही है, इस आइलैंड के ऊपर प्रेशर लगा रही है और ये क्या करेगा, नीचे सबसाइड का मतलब होता है नीचे जाते जाना, फुल स्टॉप। एज द रीफ कैन नॉट सर्वाइव इन डीपर वाटर, एज द रीफ कैन नॉट सर्वाइव इन डीपर वाटर कॉमा दे विल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड, वो क्या करेंगी, बाहर 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 आती जाएंगी। ठीक है, हुआ क्या, देखिए सबसे पहले ये आइलैंड था, आइलैंड के चारों तरफ क्या हुई, ये रीफ बननी स्टार्ट हो गई। अब ये रीफ इतनी बड़ी हो गई कि आइलैंड को क्या किया, इन्होंने दबाना स्टार्ट कर दिया, खतरा इनके लिए हो गया। अब इनको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, अपनी हाइट को बढ़ाना पड़ रहा है। अब ये क्या हो गई, पानी से बाहर आ रही है, कुछ यही स्ट्रक्चर यहाँ पे। अभी मैं और आगे इलैबोरेट करूँगा ना, तब आपको समझ में आएगा, एक बार फिर आप लिख ही लीजिए पूरा, ठीक है, फिर मैं आपको इलैबोरेट करके डायग्राम बनवा दूंगा। कहाँ तक लिखा है आपने, सर्वाइव इन डीपर वाटर तक लिख लिया ना, स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड आउटवर्ड लिख लिया, फुल स्टॉप। द आउटवर्ड ग्रोथ इज बिकॉज फूड एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल आउटसाइड, द आउटवर्ड ग्रोथ इज बिकॉज फूड एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल आउटसाइड एंड हेंस न्यू कोरल्स आर फॉर्म्ड, ये जो नई कोरल बनी है ना, न्यू कोरल्स आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ रीफ,
ऑन द आउटर पार्ट ऑफ रीफ, फुल स्टॉप. एज द ओल्ड, एज द ओल्ड इनर कोरल रीफ स्टार्ट डाइंग, यानी कि जो इसके अंदर वाली यानी जो इसके नीचे वाला जो पार्ट है कोरल रीफ, वो क्या करेगा, मरना स्टार्ट होगा. एज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कोरल स्टार्ट डाइंग कॉमा लगून इज फॉर्म्ड, क्या बन गया अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये बन गया है लगून. लगून इज फॉर्म्ड, दिस रीफ इज नोन एज बैरियर रीफ, दिस रीफ इज नोन एज बैरियर रीफ. एक मिनट दीजिए. ओके, क्या है यहाँ पे ना थोड़ी सी होमस ज़्यादा हो गई है, सफोकेशन हो गई, इसलिए थोड़ा सा गेट को ओपन किया है. कहाँ तक लिख लिया आपने, बैरियर रीफ तक लिख लिया, बहुत बढ़िया, फुल स्टॉप. एज द सब्सिडेंस कंटिन्यू, एज द सब्सिडेंस कंटिन्यू बैरियर रीफ कन्वर्टेड इंटू एटॉल, बैरियर रीफ कन्वर्टेड इंटू एटॉल विच मे और मे नॉट हैव आईलैंड इन बिटवीन, विच मे और मे नॉट हैव आईलैंड इन बिटवीन, फुल स्टॉप. डार्विन डिड नॉट एडवोकेट रैपिड सब्सिडेंस, ये आपको जरूर लिखना है. डार्विन डिड नॉट एडवोकेट रैपिड सब्सिडेंस बट वेरी स्लो रेट ऑफ सबमर्जेंस, बट वेरी स्लो रेट ऑफ सब्सिडेंस. हाँ, सबमर्जेंस सब्सिडेंस तो पहले वाला था. सबमर्जेंस ऑफ लैंड एंड फॉर्मिंग द एटॉल. अब ये डायग्राम बनाइए जो मैं आपको बनवा रहा था, ठीक है, करें अपना स्टार्ट काम. इसको मैं जो इसका सेकंड पार्ट है ना वो इधर बना रहा हूँ, जो यहाँ पे ये हमने बनाया ना ये वाला, ये है वॉल्केनिक आइलैंड एंड फ्रिंज रीफ. नीचे इसके लिख लीजिएगा, वॉल्केनिक आइलैंड एंड फ्रिंज रीफ. इसके बाद देखिए हमें क्या बनाना है, अब बैरियर रीफ बनाना है. फ्रिंज से जाएंगे अब बैरियर की तरफ, ठीक है. इसके लिए हम थोड़ा सा 3D फॉर्मेट का यूज करेंगे. ठीक है, 3-4 बना देते हैं यहां पे. ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या बना देंगे, अभी बैरियर रीफ और बीच में हमें क्या दिखाना है, लगून दिखाना है. ठीक है, ये बैरियर रीफ बना रहे हैं हम, ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है, सब्सिडेंस को शो कर रहा है. बैरियर रीफ ये सब्सिडेंस भी शो कर रहा है. हो गया लगून. लगून हो गया, बैरियर रीफ हो गया, सब्सिडेंस.
बना लीजिए आप इसको, थोड़ा सा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो बनाइए, इतने में दूसरा ही बना रहा हूं। ठीक है, पानी वाला जहाज दिखाने के लिए कि भाई इसके अंदर कौन जा रहा है। ये प्रॉपर एटॉल शो कर रहा है, बीच में ये बोट चैनल है ये। ठीक है, बना लीजिए। ये तीन हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ये सारा है स्टैंड स्टिल्स थ्योरी, जो थ्योरी है ना उसके अकॉर्डिंग है ये सारा कुछ। ठीक है, बना लीजिए। अब देखिए, जब भी हम थ्योरी की बात करते हैं हमें कुछ एविडेंस देने होते हैं उस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो पता कैसे चला भी कुछ इसी तरीके की स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो हमें उसके एविडेंस की बात करनी होती है ना। तो लिखिए एविडेंस के बारे में। अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर ही आपको आगे लिखना है। अभी तो थ्योरी लिखी है, थ्योरी के बाद आपने जो थ्योरी बताई है उसको बोलते हैं ना सपोर्ट करने के लिए एविडेंस लिखिए। सबसे पहला, डाना फाउंड दैट न्यूमरस एटॉल इन द पैसिफिक। डाना फाउंड दैट न्यूमरस एटॉल इन द पैसिफिक हैव शोन द एविडेंस ऑफ सब्सिडेंस। हैव शोन द एविडेंस ऑफ सब्सिडेंस कैसे? बिकॉज सच वॉल्केनिक पीक हैव नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। बिकॉज सच वॉल्केनिक पीक नाउ हैव पीक्स हैव नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। सेकेंड, ये हमने किसके बारे में लिखा था? ये डाना ने। अब डेविस का देखिए, डेविस फाउंड न्यूमरस बैरियर रीफ एंड अटॉल। डेविस फाउंड न्यूमरस बैरियर रीफ एंड अटॉल वेयर आर नो क्लिफ। वेयर आर नो क्लिफ, क्लिफ क्या होता है? एक खड़ी चट्टान होती है जिसके ऊपर पानी कंसिस्टेंटली टकराता है, फुल स्टॉप। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू सबमर्जेंस और सब्सिडेंस। दिस ओनली पॉसिबल थ्रू सबमर्जेंस एंड सब्सिडेंस, फुल स्टॉप। थर्ड, शेलो लगून्स आर एन इंडिकेटर ऑफ सब्सिडेंस। शेलो लगून्स आर इंडिकेटर ऑफ सब्सिडेंस। देयरफॉर ड्यू टू सब्सिडेंस द लगून हैव नॉट बीन फिल्ड बाय। देयरफॉर ड्यू टू सब्सिडेंस द लगून हैव नॉट बीन फिल्ड बाय सब्सिडेंस कॉज्ड बाय इरोजन। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? अगर सब्सिडेंस नहीं हुआ होता तो इसकी बजाय क्या होता? दूसरा कहीं से सेडिमेंटेड मटेरियल यहाँ पे आया हुआ होता। तो यहाँ पे इरोजन का क्या मिलता हमें? अरे कोई प्रूफ, प्रूफ तो मिलता है, इरोजन का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, चौथा लिखिए डोलमेटाइजेशन। चौथा है डोलमेटाइजेशन, इसके बारे में बताता हूं मैं। डोलोमाइट्स एंड लाइमस्टोन आर फाउंड, डोलोमाइट्स एंड लाइमस्टोन आर फाउंड व्हेन स्केलेटन ऑफ कोरल्स आर सब्जेक्ट। एक मिनट, सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर, सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर, फुल स्टॉप।
प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू सब्सिडेंस, प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू सब्सिडेंस. फिफ्थ, इन 1904 फिफ्थ की बात कर रहा हूँ, इन 1904 डीप बोर अराउंड 340 मीटर, डीप बोर अराउंड 350 मीटर डग इन फूना फाती. इन फूना फाती फुल स्टॉप. द स्केलेटन ऑफ डेड कोरल्स आर फाउंड, द स्केलेटन ऑफ डेड कोरल्स आर फाउंड एट ग्रेट डेप्थ, एट ग्रेट डेप्थ फुल स्टॉप. फर्दर एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट स्केलेटन ऑफ डेड कोरल एट द डेप्थ ऑफ 1500 मीटर फुल स्टॉप. फर्दर एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट स्केलेटन ऑफ डेड कोरल एट द डेप्थ ऑफ 1500 मीटर बिफोर रीचिंग बेसाल्टिक बेसमेंट, बिफोर रीचिंग बेसाल्टिक बेसमेंट विच स्ट्रेंथन द केस फॉर द सब्सिडेंस. ठीक है, विच स्ट्रेंथन द केस फॉर द सब्सिडेंस, मतलब कुछ समझ में आया? देखिए, अगर कोई नीचे चीज जा रही है तो यानी कि अगर हम उसको खोद के निकालेंगे तो हमें दिखना चाहिए. इन्होंने वो सबूत दिया था कि भाई आप इसको डिग आउट कीजिए, इन्होंने बोर किया था तभी तो दिया है. भाई मैंने बोला कि जो भी थ्योरी बनती है प्रॉपर बनती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता क्या आती है, अरे भाई ये धरती है, हर जगह पे एक रूल लॉ नहीं लगता. जैसे इंडिया के अंदर बोलते हैं ना वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं होता है, इसी तरीके से अर्थ के अंदर ये सारी पॉसिबल नहीं है. इसलिए इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट आए थे, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में कुछ पॉइंट आए थे. तो पहला लिखिए इसके अगेंस्ट में, प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्रिंज एंड बैरियर रीफ ऑन सेम आइलैंड. नहीं एक्सप्लेन कर पाए क्यों है ऐसा. ठीक है, अगेंस्ट है इसके पॉइंट में. पहला, प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्रिंज रीफ एंड बैरियर रीफ ऑन सेम आइलैंड, एग्जाम्पल लक्षद्वीप एंड फिजी, लक्षद्वीप एंड फिजी, जहां पे ये दोनों क्या है एक साथ मिलते हैं. अगला पॉइंट लिखिए, देर इज नो एविडेंस ऑफ सब्सिडेंस इन न्यूमरस आइलैंड विच हैव अटॉल, विच हैव अटॉल. ठीक है, यानी इन्होंने क्या बोला है, जहां पे अटॉल है यानी कि ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इससे पहले सब्सिडेंस हुआ है. बहुत सारी जगहों पे अटॉल है, सब्सिडेंस नहीं हुआ है. अब क्यों नहीं हुआ है नहीं कर पाया एक्सप्लेन. तीसरा पॉइंट, देर हैव न्यूमरस अटॉल इवन ऑन द शैलो सबमरीन प्लेटफॉर्म. ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई गहराई में जाएगा जो पूरा पहाड़ तभी तो ये अटॉल बनेगा, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ पे शैलो में भी मिले. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ लाइन जिन्होंने नहीं लिखी है, देयर हैव बीन न्यूमरस अटॉल इवन ऑन शैलो सबमरीन प्लेटफॉर्म, शैलो सबमरीन प्लेटफॉर्म्स फुल स्टॉप. सम ऑफ द लगून विच आर फाउंड 150 डेप्थ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय थ्योरी. सम ऑफ द लगून विच आर अराउंड 150 फीट डीप कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी. तो इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या निकला थ्रू आउट, एक मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या है. अच्छा, दो इट इज मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट स्टडीड, दो दिस इज मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट स्टडीड थ्योरी, स्टिल इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एटॉल इन साइंटिफिक और इन मोस्ट एक्सेप्टेबल मैनर. Though it is a most popular and most acceptable theory, still it cannot explain the formation of atoll in scientific and acceptable manner. क्या आपको subsidence theory समझ में आ गई? Simple भाषा में दोबारा से बताता हूँ. इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गड्ढा खोदा,
और वो गड्ढा कितनी गहराई तक इन्होंने इनिशियली खोदा, 350 मीटर तक। उनका ये देखना था कि क्या 350 मीटर की गहराई पे क्या हमें कोरल मिलेंगे। इनको मिले, इनका मन और थोड़ा सा लालची हुआ, चलिए और गड्ढा करते हैं। ये 1500 मीटर नीचे गए, अरे मिल गए वहाँ तक, बेसाल्टिक रॉक तक पहुँचने से पहले, यानी कि जो बेस रॉक थी वहाँ तक पहुँचने से पहले। इन्होंने सोचा भाई ये एक ही कारण से बन सकता है, अगर ये सब्सिडेंस हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तीन अलग अलग बनाए थे, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये तीन स्टेजेस के अंदर बताए गए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे हम क्या करने वाले हैं, स्टैंड स्टिल थ्योरी, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है स्टैंड स्टिल थ्योरी इतनी आपको क्या बोलते हैं उसके लिए राइटअप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको ऐसे वर्बली ही समझा दूंगा, ठीक है। बस ये दो पॉइंट और रह गए, फिर हम अनक्लोज करके लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मैक्स 30 मिनट और, क्योंकि एक थ्योरी को कम से कम 10-10 मिनट तो लगेंगे ना, मिनिमम टू मिनिमम। चलिए अगला है स्टैंड स्टिल थ्योरी, ये है म्यूरे के द्वारा बताई गई। इसमें देखिए सिंपल से ये बोला कि सब्सिडेंस कुछ नहीं हुआ भाई, तुम सारे क्या बना रहे हो, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। मतलब ये तो नहीं बोला उन्होंने, मतलब ये बोला कि देखिए सब्सिडेंस हुआ है, हम हर जगह उसको प्रूव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये 1880 के बीच में इसको एक चैलेंजर एक्सपीडिशन नाम की एक चीज़ हुई थी जिसके अंदर म्यूरे ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर इन्होंने क्या किया, अपने आइडिया को प्रेजेंट किया। और जो ये इन्होंने आइडिया प्रेजेंट किया था, इसको पोस्टुलेट किया गया नॉन सब्सिडेंस थ्योरी के नाम से, ठीक है। नॉन सब्सिडेंस थ्योरी के नाम से इन्होंने क्या किया, अपने आइडिया को पोस्टुलेट किया। अब इन्होंने क्या दिया, इनकी सबसे पहली अजम्पशन, अरे भाई मेरे जो कोरल है ना 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ इनकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब इनकी थ्योरी सिंपल सी यही है कि कोरल क्या करेंगे, अपने आप को सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रिंज रीफ में, किसके ऊपर, सबमरीन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने आप को बाहर 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 लेके जाएंगे, किसकी खोज में, खाने की खोज में और न्यूट्रिशन की खोज में। क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है बाहर वाले पार्ट में, न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, बाहर वाले पार्ट में। और यही रीजन है ये बाहर 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 इस तरीके से जाते हुए बनते हुए आपको दिखाई देंगे। और जो डेड कोरल है वो तो भाई वहाँ अपने आप प्रेजेंट रहेंगे तो सब्सिडेंस का नाम ही नहीं होगा। और जैसे ही ये बाहर जाना स्टार्ट करेंगे, कुछ हिस्सा पानी का क्या होगा, बीच में ब्लॉक हो जाएगा और वो क्या बनेगा, लगून बनेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं उसका एक ब्यूटीफुल बेहतरीन सुंदर सा एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या बोला गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये पहाड़ है, ये कहीं नहीं जाएगा। होगा क्या, जो भी कुछ होगा यहाँ पे जो बैरियर रीफ है ना वो ही करेगा, ठीक है। ये बता दिया गया उनके द्वारा फ्रिंज रीफ, ठीक है। लोग बोले बढ़िया भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये पाया बहुत सारी लोकेशन में ना फ्रिंज रीफ और बैरियर रीफ दोनों एक साथ हैं, ठीक है। ये हो गए बैरियर रीफ, स्टैंड स्टिल थ्योरी का डायग्राम है ये। ठीक है, अभी लगून भी बना देंगे इसके अंदर, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी देखिए जो पानी होगा क्या होगा, भाई पानी तो यहां पे आके रुक गया ना, ये लीजिए ये पानी तो यहां पे आके रुक गया, बन गया लगून, ठीक है।
ये बताते हैं कि इस तरीके से क्या बनता हुआ दिखाई देगा आपको, फ्रिंज रीफ और बैरियर रीफ। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा फ्रिंज रीफ और बैरियर रीफ। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। डन। ये पहले जो हुए थे फॉर्मल, ठीक है, ये वो हैं, और ये बैरियर रीफ हो गए, और ये हो गया सी लेवल। इसके बाद क्या यहाँ पे दिखाया गया अटॉल को भी बनते हुए, और ये अटॉल कहाँ पे किस पे बनेगा, पैलियाजिक डिपॉजिट भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, पहले के पढ़े हुए ओशनिक डिपॉजिट के सारे लेक्चर अपने देखिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये लिखा नहीं है क्या फॉर्मल का मतलब, ये पहले के है, ये फॉर्मल बैरियर रीफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने बीआर। अब अगला जो हमारा है ये अटॉल को शो कर रहा है, बीच में ये क्या है पेलियाजिक डिपॉजिट। ठीक है, पानी डाल दे इसमें। ठीक है, सी लेवल लिविंग कोरल, ये सारा आपको इस डायग्राम में लिख देना है, और ये डायग्राम किसका है, फिगर ऑफ एटॉल। बना लीजिए ये दोनों डायग्राम। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ और इसके अंदर पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो वो मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद देखिए, ये करने के बाद ना इसके जो अगेंस्ट, इस थ्योरी के अगेंस्ट में और इनके फेवर में जो बताए गए पॉइंट्स थे वो हम कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेले के द्वारा बताई गई थ्योरी थी उसको क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको बनाइए, मैं पानी पी लेता हूँ इतनी देर। बना लिया, करें काम अपना स्टार्ट। चलिए फिर, अब देखिए इनके फेवर में कौन सा पॉइंट था। सबसे पहले इनके फेवर में यही पॉइंट था कि इन्होंने किसके कंसेप्ट को नहीं लिया, सब्सिडेंस के कंसेप्ट को नहीं लिया, और जो इन्होंने सब्सिडेंस के कंसेप्ट को नहीं लिया वो इनके इसके अंदर दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं पॉइंट कुछ और बता रहा हूँ, ये अगले उसका है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूमरियस आइलैंड है। ठीक है, कौन से आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, जिसके अराउंड आपको कौन सी देखने मिल रही है, दोनों फ्रिंज रीफ और बैरियर रीफ। और ये इनकी थ्योरी के अंदर क्या है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से फ्रिंज रीफ और बैरियर रीफ बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, दो पॉइंट के लिए।
सबसे पहला पॉइंट यही है इनके फेवर में कि इन्होंने किसकी बात नहीं की है, सब्सिडेंस की बात नहीं की है। दूसरा, इन्होंने दोनों फ्रिंज रीफ और बैरियर रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ और फ्रिंज रीफ दोनों की प्रेजेंस किसके चारों तरफ, जितने भी वॉल्केनिक आइलैंड हैं उनके चारों तरफ कैसे बनी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, जो एटॉल का फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको भी इन्होंने क्या दिया, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया। क्या बताया गया कि ये एटॉल है ना, ये डेड कोरल के ऊपर 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 बनता गया है, क्योंकि नीचे क्या है, पेलियोजिक डिपॉजिट पाया गया है, ठीक है। ये तो थे इनके प्लस पॉइंट। अभी इनके अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट थे। इनके अगेंस्ट पॉइंट क्या था, इनके अगेंस्ट पॉइंट ये था कि जितने भी यहाँ पे नॉट ऑल सबमरीन प्लेटफॉर्म, ठीक है, सारे सबमरीन प्लेटफॉर्म जो पीक है यहाँ पे 55 मीटर की डेप्थ पे नहीं है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जब ये आगे आगे बताते गए कि भाई जो मेरे यहाँ पे जो कोरल रीफ है वो प्रॉपरली नहीं बता पाए कि उसकी इतनी डेप्थ क्यों है। इन्होंने 55 मीटर, लेकिन भाई कुछ 55 मीटर से ज़्यादा हैं, कुछ उससे कम भी हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी चीज़ के ऊपर डेविस ने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था म्यूरे को, ठीक है, और इसने क्या बोला कि जो बेसिक प्रिंसिपल था, ठीक है, साइकोग्राफी, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल था साइकोग्राफी का, वही वायलेट कर दिया गया है म्यूरे के थ्रू, ठीक है। अब जो कंक्लूज़न यही निकला इनकी थ्योरी में कि भाई इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी इनिशियली किसी किसी जगह पे क्या था, सही था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या, इनकी जो थ्योरी है फेड होती गई, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिसके हाथ में रसूख आ जाती है, पावर आ जाती है, वो ये नहीं चाहता कि उसके अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर है उसकी थ्योरी आगे चलती जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेविस है उसने यही किया था, क्योंकि देखिए इनके अगेंस्ट एक थ्योरी आई थी किसके द्वारा, पेंक के द्वारा। पेंक की थ्योरी जो थी, 2 साल के बाद ही उनकी क्या हो जाती है, दिमाग में कुछ हैमरेज होती है, उसकी वजह से वो चल बसते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेविस कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट आता था तो उसको आंसर करने के लिए, ठीक है, इनके पास क्या थी, जिंदगी थी, टाइम था, इसलिए इनकी थ्योरी को गलत होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों ने सराहा, पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आता है डेले की थ्योरी, ठीक है। अभी तक हमने जो दो थ्योरी पढ़ी हैं दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। अब देखते हैं कि भाई डेले क्या बोलते हैं, डेले की थ्योरी क्या का क्या नाम है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। सिंपल सी भाषा बताऊं, इसमें ये बोला है कि ग्लेशियर बनते हैं, पीछे जाते हैं, उनके आगे और पीछे जाने की वजह से इनकी लाइफ साइकिल पर पूरा पूरा असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसा उन्होंने बताया था ना कि हमने 350 मीटर की गहराई पे भाई यहाँ पे कोरल देख लिए, ये सब्सिडेंस का ही तो एग्जांपल है, ठीक है। वो ये नहीं देख पाए कि भाई यहाँ पे ग्लेशियल पीरियड भी बनते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो अगली जो हमारी थ्योरी है वो है डेलेस ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। इसके अंदर भी मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको डायग्राम बनवा दूंगा और थोड़ी सी इसके कुछ बोलते हैं ना आउटर लाइंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये थ्योरी दी गई थी 1915 के अंदर, किसके द्वारा दी गई थी, डेले के द्वारा दी गई थी एज ए अल्टरनेट, किसके, जो सब्सिडेंस थ्योरी उस टाइम क्या चल रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस ढूंढ के निकाले थे कहाँ पे, जो हवाई आइलैंड है ना मोनाकिया, एक पूरा एक बड़ा सा आइलैंड है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एक पहाड़ है जो कि जिसको हम बोलते हैं ना कि मिडो क्या बोलते हैं, जो समुंदर के अंदर वॉल्केनो बनता है और फिर वो डिपॉजिट होते 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 ऊपर समुंदर तक आता है, मोनाकिया उसी का ही एग्जांपल है। अब यहाँ पे जब इन्होंने स्टडी की ग्लेशियल के, यहाँ पे क्या मिले, एविडेंस मिले, और ये हवाई के नियर बाय है, ये इस चीज़ से कन्विंस हो गए कि प्लेस्टोसिन आइस एज के ड्यूरेशन में जब ग्लेशियल आगे गए और पीछे गए, उसमें उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो आपके मैनग्रोव आ रहे हैं, ये जो कोरल है ये आगे गए समुंदर की गहराई में। क्यों गए, क्योंकि उस वक्त पानी क्या था, उथला था वहाँ पे, मतलब कि शैलो वाटर था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसे वार्मिंग हुई ये और आगे आते गए,
तो जो सरवाइव नहीं कर पाए वो मर गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सरवाइव कर पाए और इतनी गहराई में वो बच गए। ठीक है, नहीं समझ में आया, सिंपल सा बताता हूँ। अभी तक हमने थ्योरी ये देखी थी कि ये 55 मीटर की गहराई पे ही के ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है, एज पर ये अभी थ्योरी चल रही थी। फिर हमें कुछ पता चला कि भाई ये तो इतनी गहराई पे भी सर्वाइव करते मिल रहे, ये सर्वाइव कैसे कर पाए, ये सर्वाइव ऐसे कर पाए जब यहाँ पे क्या बन रहा था, ग्लेशियर बन रहा था, इसने यहाँ से पानी को अपने पास बुला लिया, पानी को क्या किया अपने पास बुला लिया। जो पहले यहाँ पे पानी की डेप्थ थी कितनी, 300 मीटर, अब वो मात्र बची है 50 मीटर। यहाँ पे कोरल के लिए बोलते नहीं सोने पे सुहागा, तो ये कोरल यहाँ पे डीप ओशन में भी क्या कर पाया उस टाइम डेवलप। डीप ओशन मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल समुंदर के तल पे, डीप ओशन का मतलब ये है मान लीजिए यहाँ से ये 300 मीटर अंदर भी उगते हुए दिखाई दिए। ठीक है, उनमें से कुछ सर्वाइव कर पाए, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए उसकी डेड बॉडीज हमें मिलती है, जो सर्वाइव कर पाए उसके हमें आज भी कुछ मिलते हैं, जैसे कि यूके, फ्रांस, इसके नियर बाय ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये इनके सिंपल सी क्या थी, थ्योरी थी। और इनका मेन ये था कि जो इन्होंने अपनी थ्योरी बताई है, इसमें इन्होंने पूरी थ्योरी को किसके साथ कनेक्ट किया है, प्लेस्टोसिन आइस एज के साथ कनेक्ट किया है। और अगर इसके इनके थ्योरी के थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में देखूं, इन्होंने ये बोला कि ग्लेशियल पीरियड के टाइम पे लार्ज स्केल पे क्या हुआ था, जो कोरल है मरे थे। ठीक है, किस लिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हुआ, सी लेवल भी नीचे गया, कितना, 200 फीट सी लेवल नीचे गया, जिसने क्या काम किया, जितने भी आइलैंड थे वो क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। और बताइए क्या होगा यहाँ पे, रिवर रिजुविनेशन, जिसने क्या किया, स्ट्रीम ने और फर्दर इरोड कर दिया, वेव बाई वेव ने क्या किया, इरोड कर दिया और क्या बना दिया, न्यूमरस वेव कट प्लेटफॉर्म बेहतरीन तरीके से बना दिए। अब क्या हुआ, आइस एज टिका रहेगा, नहीं टिका रहेगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग आने वाली है भाई। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आई, सी लेवल क्या होगा, जो पीछे गया था अब दोबारा से आ जाएगा आगे। ठीक है, जैसे ही सी लेवल आगे आएगा, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रिंज रीफ दोबारा से बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बैरियर रीफ ब्रॉड हो जाएंगे। ठीक है, उनके बीच में जो कट है वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे लगून, अटॉल, ये सारी चीज़ें आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो इन सारी चीज़ों के वन बाय वन क्या करके देख के हम क्या करते हैं, डायग्राम बना के आपको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाएँ। सिंपल है, जो डेविस ने क्या बताया था, नहीं डेविस ने तो रिवर रिजुविनेशन की बात नहीं की है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो अभी तक हमने रिजुविनेशन में पढ़ा था ना, इन्होंने इसको अटॉल और बैरियर रीफ और फ्रिंज रीफ, इनके बनने के पीछे के रीजन पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये ले लिया हमने पहला पार्ट, यहाँ पे ये ले लिया हमने क्या, माउंटेन ले लिया, और अभी देखते हैं इस माउंटेन के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब होगा क्या, पानी पीछे चला जाएगा। ठीक है, पानी पीछे चला जाएगा, तो ये जो एरिया है ना, इतना इरोड हो जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ इस तरीके से शेडेड शेडेड कर लें, ताकि ये काम बन जाए हमारा प्रॉपरली। ठीक है, ये हो गया। अब ये आगे देखेंगे किस तरीके से डेवलप होता जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे देखिए, मतलब दोनों एक जैसे कलर ले रखे हैं। अब यहां पे सी लेवल देखिए कौन सा है, ये था सी लेवल। ठीक है, लेकिन ग्लेशियल लेवल क्या था, ये है, जब मतलब हिमयुग आया ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है ग्लेशियल लेवल, डन। तो ये किसको शो कर रहा है, वेव कट प्लेटफॉर्म को बता रहा है। यहां पे अभी फॉर्मेशन हुई है, ये इसको ए बना लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ वेव कट प्लेटफॉर्म। इसके बाद बनता है दूसरा, यहां पे अब कोरल बनने स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहां पे
जमीन तैयार कर दिया। अब जब भी आप हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले क्या होता है, बिल्कुल प्लेन बनाया जाता है ना, चपटा बनाया जाता है, बिल्कुल समतल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से समुंदर के पानी ने इसको काट काट के क्या कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया। अब इसका सेकंड स्टेज क्या बनेगा, उसको थोड़ा छोटा सा रखेंगे, ठीक है, ताकि तीसरा भी वहाँ पे हम बना पाए। तीसरा थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अरे बिल्कुल सही पहचाना आपने, ठीक है। पानी भर दीजिए इसके अंदर, लगून बन जाएगा। ये हो गया लगून, ठीक है। सिंपल वही काम करना है अपने को। ये है सी लेवल, ये है ग्लेशियल लेवल, ठीक है। और इधर ऊपर लिख लीजिए, ये किसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, ठीक है। अभी जो इसके अगला है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करेगा, ये बताया जाएगा इसके अंदर कि भाई जो आपके हिमयुग हैं वो आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, उसकी वजह से क्या होगा, लेयर 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 लेयर, इस तरीके से लेयर बनती जाएगी ऊपर, ठीक है। यानी कि अभी हम देख रहे हैं अटॉल की फॉर्मेशन को। ये बहुत सिंपल है, नीचे इस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, बन गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ा सा अंदर करके बनाना पड़ेगा इसको, डन। इसी तरीके से अब एक और बना दीजिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग शेड करेंगे, ठीक है। बना लिया यहां तक, वेरी गुड। अभी हमारे रेड कलर के मार्कर का नंबर आया, अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये है सी लेवल 1, ठीक है। ये है, मेरा थोड़ा सा नीचे चला गया, बिल्कुल इसके ऊपर रख के चलना है आपको, ठीक है। ये है सी लेवल 2। अब सी लेवल 3 कौन सा है, ये है सी लेवल 3, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे एटॉल बनता दिख रहा है। यहाँ पे जो एस एल है ये सी लेवल है भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्लियर। और ये है लगून, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया है। ऊपर डायग्राम में लिख लीजिए ये किसकी फॉर्मेशन के लिए है, फॉर्मेशन ऑफ एटॉल। यहाँ पे अगर हम कोरल रीफ की बात कर रहे हैं, ये कौन सी कोरल रीफ है, बैरियर रीफ और फ्रिंज रीफ। बना लीजिए इसको आप, बस मैंने ये बोला था कि अभी जितने भी ये हैं थ्योरीज, इसके अंदर डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए, डायग्राम की आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई है।
ठीक है ओके आप इसको बनाइए, मैं इतनी देर थोड़े से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो अगर आपने ये बना लिया हो कि इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो मेन और जो फर्दर हम ये चीज़ें करने वाले हैं इसके अंदर कोरल वाला तो हमारा पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब एक जो पॉइंट है वो है कोरल ब्लीचिंग का, और कोरल जो है हमारे को किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद अनक्लोज और हमारा काम हो गया। आपका जो आज का काम है हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि ओशनोग्राफी ख़त्म हो गई। और आपको अगला जो लेक्चर है मतलब कल से ही आपको मिलेंगे, कल से तो नहीं मिलेंगे, 2 तारीख से आपको क्लाइमेटोलॉजी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है खुश? अरे अब तो देखिए सिलेबस कितनी जल्दी जल्दी खींचा जाएगा। चलिए करें हम जो कोरल ब्लीचिंग है उस टॉपिक को कंप्लीट। देखिए कोरल ब्लीचिंग बेसिकली होता क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी तक जो जो हमने लेक्चर के अंदर देखा है, क्या हमने देखा है कि जो जेंथोलिन खाना बनाते हैं? देखा है। अब कोरल मरते कैसे हैं? कोरल मरते तब है जब इनको खाना नहीं मिलता। खाना कब नहीं मिलता? जब जू जेंथोलिन, ठीक है मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, बार बार लिखना टाइम जाता है। जू जेंथोलिन क्या करते हैं? कोरल को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ठीक है कोरल को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं का मतलब क्या है? इनको क्या चाहिए? 21 से 27 के बीच का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है या तो इसमें गड़बड़ हुई है या तो इनको क्या चाहिए, 27 से 40 था एकदम से दिमाग से निकल गया, यानी कि इनको अप्रॉक्सीमेट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, बाकी मैं इसको करेक्ट कर दूँगा अगर ये गलत होता है तो। इतनी इनको क्या चाहिए? सैलिनिटी चाहिए या फिर जो डेप्थ है इतनी चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके के जो इवेंट है इनके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो जू जेंथोलिन क्या करते हैं भाई, ये सर्वाइव नहीं कर पाते, ये चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोरल होते हैं मरना स्टार्ट कर देते हैं, कोरल क्या होते हैं डाई कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये वाइट कलर के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये वाइट कलर कहाँ से आया? ये लाइमस्टोन के और डोलामाइट के बने होते हैं, ठीक है, और जिसका कलर होता है वाइट होता है। ठीक है अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कोरल ब्लीचिंग होता क्या है। अभी एज पर हमारी जो बोलते हैं ना कि डेडिकेटेड स्टडी किसके ऊपर रहेगी, वो रहेगी इसके कॉज क्या है भाई। ठीक है इसके कॉज क्या है कि ये हुआ क्यों? सबसे पहला बताइए क्या होना चाहिए? लिख दिया है हमने ऑलरेडी, पहला जो राइज है किसका हुआ है? राइज इन ओशन टेम्परेचर। ठीक है ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा बताइए और क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब, सी लेवल भी बढ़ गया। ठीक है सी लेवल बढ़ गया तो ये भी बढ़ गई है। ठीक है तीसरा पॉइंट बताइए, अरे कोरल के अंदर बीमारियां आ गई हैं। ठीक है डेप्थ में मत जाइएगा, कौन सी डिजीज है, नहीं तो आप पागल हो जाओगे डिजीज के नाम याद करते करते। ठीक है और बताइए अर्बनाइजेशन और कंसिस्टेंट क्या जा रहा है? सीवेज का यहाँ पे पानी जा रहा है। चौथा हो गया अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन का मतलब पता है ना, शहरीकरण, और सीवेज वाटर डंप किया जा रहा है। और बताइए क्या क्या रीजन है बताइए, जो इसके अंदर फिशिंग जो मछलियां पकड़ी जाती है ना उसके लिए बहुत ही गलत तरीके की वो यूज़ की जाती हैं टेक्निक्स। ठीक है आप ये लिख सकते हैं ओवर फिशिंग या फिर रॉन्ग फिशिंग टेक्निक, जैसे कि आपका आ जाता है इसमें बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग बेसिकली क्या होता है, पूरे समुंदर के जो नीचे होती है ना गहराई तक, वहाँ तक पूरे को लेते हुए जाते हैं जाल के अंदर। इसके अंदर अगर कोई कोरल आया था कोरल भी इसके साथ उड़ जाता है। और इसके सबसे ख़राब बात बताऊँ, जो छोटी मछलियाँ हैं ना वो भी पकड़ी जाती हैं और ये छोटी मछलियों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है
ये हो गया, इसके बाद फिशेस हो गया, इसके बाद आती है माइनिंग। ठीक है, माइनिंग किस तरीके से, जैसे मिट्टी निकालना, रॉक निकालना, लाइमस्टोन निकालना, इस तरीके की माइनिंग आती है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मिट्टी, सैंड, और बताइए, रॉक, लाइमस्टोन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। सेवंथ बताइए, प्लास्टिक पोल्यूशन। ये प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे होता है बताता हूँ। आप सोच रहे हो जो हम खाना वगैरह सब्जियाँ लेके आते हैं वो प्लास्टिक, नहीं, जो हम फेस वॉश यूज़ करते हैं ना उसके अंदर होते हैं माइक्रोबीट्स, यानी कि छोटे छोटे प्लास्टिक होती हैं। जैसे ही वो नाली में से होते हुए जाते हैं ना, नाली के अंदर से भी पूरी डस्ट अपने साथ अट्रैक्ट कर लेती हैं, और फिर वो जाके किस में डंप होती है, ओशन के अंदर। जिसकी वजह से जो बताया था ना कि इनको बिल्कुल चाहिए एकदम क्लीन वाटर, एकदम साफ पानी, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसको हम माइक्रोबिट्स बोलते हैं, ये आप इसमें लिख लीजिएगा, जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है उसके अंदर। ये तो था किस तरीके से इसके जो है रीज़न है, हम इसको क्या कर रहे हैं, कोरल्स को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि 2030 तक हमारे पास वक्त है, और एक स्टडी से ये पाया गया था, ये पता चला था कि जो कोरल है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, पता कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी देते हैं, मतलब कितने ट्रिलियन की ये आर्थिक सहायता देते हैं, 9 ट्रिलियन। और ये स्टडी है सन 2000 की, ये है सन 2000 की स्टडी, कि ये हमें क्या देती है, 9 ट्रिलियन की क्या देती है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये हमें किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो कोरल रीफ है किस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। ठीक है, बताइए कोरल के अंदर आपको किस किस तरीके का एक इकोसिस्टम बनता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले ये हमें क्या देती हैं, प्रोविजनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब ये प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे कि हमारी लाइवलीहुड के लिए ये मछलियाँ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, लकड़ियाँ मिलती हैं, और बहुत सारी इसके अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मेडिसिनल वैल्यू के इसके अंदर आपको प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे हर्ब्स मिलती हैं, ये एक्वेरियम को सजाने के लिए, ठीक है, ज्वेलरीज बनाने के लिए, ये कुछ ऑर्नामेंटल भी हमें मिलते हैं। तो ये इस तरीके की सर्विस क्या होती हैं, प्रोविजनल सर्विसेज होती हैं। हमारे को ये कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये कोरल से प्राप्त हो रही है। ये 9 ट्रिलियन के अंदर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इसके बाद हमारे को जो ये क्या बोलते हैं, हाँ एक मिनट, मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया, रेगुलेटिंग सर्विसेज ये हमारे को देती हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, रेगुलेटिंग सर्विसेज किस तरीके की बताता हूँ। अब देखिए, जो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे मान लो कभी जो पानी आता है ना बहुत तेज, ठीक है, वेव्स चलती हैं बहुत ज़्यादा, ये उससे प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी कि जो पानी है उसको रेगुलेट करके रखती है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और ये होगी रेगुलेटिंग सर्विसेज। इसके अलावा और भी हमारे को क्या प्रोवाइड करती है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ये सपोर्टिंग सर्विस हो गई, कल्चरल सर्विस हो गई। ठीक है, कल्चरल सर्विस में आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपका टूरिज्म इंडस्ट्री है वो फल फूलती है यहाँ पे, जैसे मालदीव है, उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी पता किसके ऊपर है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए कोविड का सबसे ज़्यादा उन देशों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी किसके ऊपर निर्भर थी, एक मिनट रुकिए, जो कि पूरी की पूरी निर्भर थी टूरिस्ट के ऊपर। ठीक है, ये कुछ हैं जो हमें प्रोविजनल सर्विसेज मिलती हैं किसके द्वारा, कोरल्स के थ्रू। अगर आपने ये लिख लिया हो, बना लिया हो, तो आगे चले हम। इसके अंदर अभी हम क्या करने वाले हैं, अनक्लॉज की स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, ये जो हमें प्रॉपर ये जो पूरी सर्विसेज मिलती है ना,
9.9 ट्रिलियन के आसपास की ये हमारे को ग्लोबली मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, ये कल्चरल के अंदर बता रहा हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये होता है कि जो आपकी सोचने की क्षमता होती है और किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी क्रिएटिविटी, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। एक ऐसा ही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया था आज से तकरीबन 2 से 2.5 लाख साल पहले। वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ये था कि इंसान जो हमारे पूर्वज थे वो क्या बनाए थे, बना पाए, टूल बना पाए, जिसकी वजह से आज की डेट में ये मैं पेन पकड़ के आपको पढ़ा पा रहा हूँ और आप फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप के अंदर इस लेक्चर को देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अनक्लॉज, सिंपल सा है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस आपको ये समझना है किसी भी कंट्री के पास किस हद तक सीमाएँ होती हैं पानी में, ठीक है, पानी में वो किस डेप्थ तक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा सकता है। बस 5 मिनट का और है लेक्चर। इसका अगर हम देख क्या देखें बैकग्राउंड, ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। अच्छा, पूरी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये है इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि एक्सटेंड हुई है 16 नवंबर 1994 यानी 16 नवंबर 1994 ये स्टार्ट हुई है अनक्लॉज। इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता कौन, चाइना, ठीक है। वो सोचते अरे ये कौन है, अनक्लॉज क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो ये अनक्लॉज है ना, इसको एक डायग्राम के तहत हम क्या करते हैं, पूरे जो सिनेरियो है इसको क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। राइटअप आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। मैं डायग्राम के थ्रू आपको ये बना के दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस में दिक्कत हो रही है। ओके, तो चलिए अपने डायग्राम मेकिंग के कार्य को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, पानी कौन सा सीधा होता है। अभी एक चीज़ आप देखिएगा, किसी भी देश की जो सीमाएं होती है ना, जो बाउंड्री होती है, क्या नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, कैसी होती है, वो ऐसे जिगजैग फॉर्मेशन आप में आपको बनती भी दिखती हैं। तो अब समस्या ये आती है कि अगर आप कुछ नापना चाहते हैं तो कैसे उसको आप क्या कर पाएंगे, नाप पाएंगे। तो बोला ये जाता है कि देश का वो हिस्सा जो पानी के अंदर सबसे ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, वहाँ से एक इस तरीके से लाइन खींची जाएगी। खींच गई ये लाइन। अब इसके बाद क्या होगा, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल इस तरीके से खींची जाएगी। बस आप 12 नॉटिकल माइल सुनिए क्या बनेगा, वो भी बताता हूँ आपको। फिर एक और 12 नॉटिकल माइल इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 200 नॉटिकल माइल का क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हो गया 200 नॉटिकल माइल। इसके आगे का जो भी होगा वो होगा हाई सी, इसमें किसी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी, ठीक है। ये होता है टेरिटोरियल सी, ठीक है, ये क्या होता है, टेरिटोरियल सी। ये है 12 नॉटिकल माइल, अगेन ये है यहां से लेकर के यहां तक 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, यहां से लेकर के ये इधर तक, ये है 200 नॉटिकल माइल, मीटर नहीं है भाई, नॉटिकल माइल है, बहुत जगह छोटी पड़ जाएगी 200 मीटर तो। और ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन, EEZ बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया, ये है आपका कंटिगुअस जोन कहलाता है ये। ये लास्ट में है हाई वाटर, यानी कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर हम इसके ऊपर चीजें आपको क्लियर करते हैं। देखिए ये क्या है, या तो ये आइलैंड हो सकता है, ठीक है, या तो ये आइलैंड हो सकता है, या तो कोई कंट्री हो सकती है, ठीक है। या तो कंट्री लिख लीजिए या फिर मेनलैंड लिख लीजिए। यहां तक क्लियर? अब इसमें देखिए, ये वाला जो पानी होता है ना, ये वाला पानी होता है, इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी एरोप्लेन, फॉरनर एरोप्लेन उड़ान नहीं भर सकता। अगर पाया गया विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है, S-400 के तहत उसको उड़ा दिया जाएगा। हमारी जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, हाँ सरफेस टू एयर ठीक वाली मिसाइलें हैं, वो उड़ा देंगे इसको। यहाँ से आप आ जा सकते हो, परमिशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इधर से भी परमिशन की रिक्वायरमेंट है। और ये जो एरिया है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई भी यहाँ पे चीज़ मिलती है ना, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे सोना हो, या कोई मिनरल हो, वो क्या होगा, जो ये 200 नॉटिकल माइल के एरिया, मतलब जिस कंट्री का है, ये उसके पास जाता है। और ये हाई सी है। अब हाई सी में क्या हुआ, किसी को पेट्रोल मिला, किसी कंपनी ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया, उसको पेट्रोल मिल गया। अब क्या यहाँ पे लेट सपोज चाइना है, क्या वो बोल सकता है कि नहीं ये पेट्रोल मेरा है? चाइना नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन चाइना इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। तो ये समझ में आ गया। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर ये होता है कि भाई ये इसी देश की संप्रभुता है। क्या है? ये इसी देश की संप्रभुता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तब होती है जब दो कंट्रियां बहुत ज्यादा नियर बाय हो जाती हैं। तो यहां पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, यहां पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। आधा एरिया इनके पास रहता है, आधा दूसरी कंट्री के पास। यही बांग्लादेश, बांग्लादेश ने भी क्या बोला था कि भाई हमारे को कुछ एरिया ज्यादा चाहिए, क्योंकि एज पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारे को बहुत कम मिला हुआ है। क्योंकि कुछ एरिया यहाँ से किसने एक्वायर कर लिया, कुछ एरिया एक्वायर कर लिया इंडिया ने, और कुछ एरिया यहाँ से म्यांमार ने एक्वायर कर लिया, और हमारे पास सिर्फ ये इतना एरिया बचता है जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। ये मूव करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, वहाँ पे बातचीत होती है। इंडिया बोले ठीक है भाई, रख लो यार, तुम रख लो या हम रख लो, रहनी तो हमारी नेवी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ नेवी कहाँ मिलती है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कोस्ट गार्ड, ठीक है, कोस्ट गार्ड मिलेगा कहाँ पे, टेरिटोरियल वाटर में। और ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगी नेवी, ठीक है, इधर क्या मिलेगी आपको, नेवी मिलेगी, ठीक है। और ये वाला है, इसको कॉमन गुड एरिया बोला जाता है। यहां से और यहां से जाने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जहां से हमें जाना है, परमिशन की रिक्वायरमेंट है। पता क्यों? मान लीजिए कोई जहाज यहां से जा रहा है, तेल लीक हो गया, किसको इंपैक्ट डालेगा, यहां की पॉपुलेशन को, ठीक है। और ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, यहां पे कौन सी जो है, इंटरनल वाटर पुलिस, ठीक है, इंटरनल जो पुलिस होती है ना, उसका एरिया होता है ये, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। और इसके ऊपर कौन ज्यूरिसडिक्शन रखता है, यहाँ पे कौन कार्रवाई करता है, पुलिस करती है, ठीक है। अगर आप टेरिटोरियल वाटर में तो कोस्ट गार्ड, अगर आप किस में हो, कॉन्टिगुअस में, और
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो आगे का एरिया है ना ये, यानी कि इसमें से माइनस कर दो 160 नॉटिकल माइल, ये नेवी के अंडर रहता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था अनक्लॉज। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको किताबों के अंदर मिल जाएंगी, जैसे कि इंटरनल वाटर क्या होता है, ठीक है, फिर आपको टेरिटोरियल वाटर, फिर उसके बाद आर्किपेलेगिक वाटर क्या होता है, ये सारे आपको उसके अंदर मिल जाएगा। कंटिगुअस जोन, ये सारी चीज़ें आपको उसमें अपडेटेड मिल जाएंगे। अगर फिर भी कुछ पॉइंट समझ में ना आए तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। इसके साथ बहुत सारी खामियां हैं, दिक्कतें हैं इसके अंदर। दिक्कत यह है कि इसके अंदर सिर्फ दो कंट्रियाँ हैं वो आपस में क्या करती है, हेड ऑन कॉलिजन करती है, एक तो अमेरिका है और दूसरा चाइना। चाइना मानते नहीं, अमेरिका सबके ऊपर लागू करना चाहता है। चाइना बोलता है हु आर यू, आई डोंट नो यू। ठीक है, चलिए ये तो हंसी मजाक हमारी होती रहेगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो मेजर चीज़ें हैं ना, जब हम मरीन रिसोर्सेज की बात करते हैं, आपका जब करंट अफेयर जो चीज़ें पढ़ते हैं ना उसके अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, फूड रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर आती है, एनर्जी रिसोर्सेज से अगर रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, जैसे अभी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एक बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वो कैसे बना, उसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ा सा क्या कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, और जहाँ तक हो पाएगा मैं इसके ऊपर अगर वीडियो हो पाई तो ज़रूर बना दूंगा। इसी तरीके से जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है, बायोटिक ए बायोटिक रिसोर्स के बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है, ज़रूर इनके ऊपर ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, दोनों नॉन कन्वेंशनल के ऊपर अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी सोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो ओशनोग्राफी है ख़त्म होती है। एक दो घंटे का लेक्चर हो गया आज, करते करते सच में पता ही नहीं चला, पसीने में बिल्कुल एकदम लतपत हो गया। आज इस लेक्चर को करते ख़त्म और आज का काम भी ख़त्म होता है। ठीक है, आज तीन लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिए आपके लिए। आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई डाउट है, परेशानी है, ज़रूर पूछें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे क्लाइमेटोलॉजी नेक्स्ट रहेगा हमारा, क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन रहेगा, क्योंकि अभी जो हमने ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा है, क्लाइमेटो में देखें कैसे मक्खन की तरह सारी हवाएं चलेंगी विदाउट एनी फ्रिक्शन, जेट स्ट्रीम की स्पीड से हम क्या करेंगे अपने क्लाइमेटो को पूरा कर लेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे सारे लेक्चर्स को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर लेके आएंगे और आप हम रूबरू होंगे एज ए ऑफिसर बन के, और आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। पढ़ते रहिए, रीड रिपीट रिवाइज मत बोलना, नहीं तो सुबह उठते रिकॉल नहीं होंगी चीज़ें, अरे सर क्या पढ़ा था, सारी चीज़ें दिमाग से उड़ गई।